हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस सभी को क्लियरली आ रही है। इज माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताएंगे क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है बेटा, यस और नो? इज माय स्क्रीन एंड माय वॉइस इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट को, ठीक है? वन शॉट में थोड़ा सा क्विक रहेगा बेटा ये लेक्चर, और ध्यान देते रहना कि बीच में वॉइस अगर जो कट जाए, तो वॉइस अगर जो बीच में ब्रेक हो जाए या फिर बेटा आनी बंद हो जाए, तो तुरंत के तुरंत मुझे एक बार ही आप लोग कॉल कर देना, ठीक है? एक्चुअली इस माइक में थोड़ा सा इशू है, अभी ये नया माइक आया था, बट इसमें थोड़ा सा इशू है कि इसमें वॉइस क्लियर तो आती है बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, ठीक है? तो एक बारी आप लोग, और मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, कभी ये लग रहा हो कि सर अभी नींद से उठ के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, डेट्स वाई ऐसी आवाज आ रही होगी आपको थोड़ी फटी फटी सी। और क्या बोलते बेटा, अगर जो मैंने जो बोला, कोई भी बच्चा एक मेरे को डायरेक्टली कॉल कर देना, ठीक है? कभी सारे करने लग जाओ और फिर किसी का भी ना लगे, ओके? तो चलिए सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते बेटा। आज हम लोगों को सेकेंड यूनिट पढ़ना है वन शॉट में, थोड़ा सा लेक्चर क्विक रहेगा क्योंकि बड़ी यूनिट है और एक झटके में खत्म करानी है, ठीक है? अब देखो पॉइंट क्या क्या मेन हमारे इस यूनिट के अंदर हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं, ये भी याद रखना। देखो मेनली इस यूनिट में से हमारा क्या रहता, देखो आप अगर जो याद करोगे तो एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन इस यूनिट का नाम है, तो एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में बेटा हमें किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में पता होना चाहिए, है ना? हम लोगों को फिर यूजेस ऑफ पैराफिन पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। ये तो बेसिक बेसिक टॉपिक है। कौन कौन सा, देखो एल्केन, एल्कीन, कॉन्जुगेटेड डाइन का इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड टॉपिक हेलोजिनेशन, फोर्थ टॉपिक पैराफिन, ठीक है? फिफ्थ टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट E1 E2 रिएक्शन, सिक्स्थ टॉपिक सिर्जिफ और होफमैन प्रोडक्ट, सेवंथ टॉपिक आप लोगों का इस यूनिट से मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आपने सेकेंड यूनिट में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और आपने कौन सी थी वो यार, एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? इस तरीके की दो रिएक्शन आपने नहीं पढ़ाई है। तो बेटा देखो मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिकोफ रूल में, और जो दूसरी रिएक्शन थी वो होती है मार्कोनिकोफ रूल में। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी जब से मैं पढ़ाऊंगा तब याद आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन था कि सर वो नहीं पढ़ाया आपने, तो वो भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई। चलिए तो इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे किसके बारे में बेटा, एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। और अभी तक जितना हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है, तो हम लोग आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रिपरेशन में भी हेल्प हो रही होगी, मतलब कि आप लोग प्रिपरेशन भी अपनी कर रहे होंगे साथ के साथ। चलिए देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब हम लोगों को, देखो ये हमारा सिलेबस है बेटा सेकेंड यूनिट का, सेकेंड यूनिट का ये हमारा सिलेबस है, जहाँ पे हम लोगों को इंपोर्टेंट पोर्शन की लगा लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स, एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
चलो आ जाओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये भी इंपोर्टेंट है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो इंपोर्टेंट है ही। उसके बाद में हमारा बेटा E1 E2 मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा ओजेनोलाइसिस भी पढ़ना, देखो एक टॉपिक ये मैं भूल गया था, आप लोग देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे थे, एल्कीन की नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल में होता है, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपकी एंटी मार्कोनिकोव रूल में होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जस्ट अ सेकंड बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन डाई एल्डर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन और एलाइलिक रीअरेंजमेंट, तो ये सारी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट को फटाक से। और देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। सबसे पहले एल्केन के बारे में बात करेंगे बेटा। एल्केन क्या होता है? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि क्या, यहाँ पर हमारे कार्बन जितने भी हाइड्रोजन से अटैच रहेंगे किस बॉन्ड की हेल्प से रहेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। तो आप लोगों को एल्केन का नाम याद आते कि साथ ही क्या नाम याद आना चाहिए, एल्केन्स आर आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2n+2। ओके बेटा, तो चलो देखो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। एल्केन आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। द फॉर्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2 सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, चैन एल्केन, साइक्लो एल्केन एंड ब्रांच एल्केन। चैन एल्केन का मतलब क्या बेटा, सीधा हमारी स्ट्रेट चैन रहेगी, ये हमारे क्या रहते हैं, चैन एल्केन। साइक्लो एल्केन हमारे क्या रहेंगे बेटा, इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगी, हमारे क्या रहेंगे, साइक्लो एल्केन। इसका नाम क्या है, मैथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ब्रांच चैन में हमारा क्या रह जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और इधर ये क्या है, CH2 की जगह बेटा क्या रहेगा, CH रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच चैन एल्केन। 2-methyl हमारा क्या जाएगा, ये प्रोपेन, ठीक है बेटा। ये हमारे तीन प्रकार के एल्केन्स होते हैं। एल्केन सारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्केन में आगे मूव करेंगे तो यही सारी चीजें बोली गई हैं कि हमारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एल्केन का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, ये सबसे छोटा एल्केन है, यानी कि क्या, स्मॉलेस्ट एल्केन, यानी क्या, मीथेन, यानी कि CH4, ठीक है। देखो एल्केन आर आर सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो एल्केन से बेटा वो क्या है, हमारी सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन और कार्बन की, जिसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारे क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दोनों लाइन मैंने अभी जस्ट आपको बताई। दीज ग्रुप ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये दोबारा से वही लाइन आ गई, ठीक है। ऑल्सो कंपेरिजन आ होमोलोगस सीरीज हैव अ मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2। और जो हमारी ये होमोलोगस सीरीज जो प्रिपेयर करता है, उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, CnH2n+2 है। द सिंपल एल्केन मीथेन कंटेन्स वन कार्बन एटम, यानी कि CH4, जिसको यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम है, एट दिस मोलिकुलर फॉर्मूला। एज दिस कंपाउंड हैव जस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ओनली, देयरफॉर इट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूलाइज, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा। देखो हमारी क्या बेटा, मैंने होमोलोगस सीरीज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था फर्स्ट यूनिट में, कि किसी भी चीज के होमोलोगस सीरीज बनानी हो तो अगला कंपाउंड को लिखने के लिए उसके अंदर CH2 ऐड कर दो। बताया था ना, जितने भी बच्चे डिजिटल और मास्टर कोर्स वाले हैं उन्होंने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, वन शॉट में भी और वैसे भी लेक्चर वाइज भी, तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जो हमारी होमोलोगस सीरीज रहती है, चाहे आपको एल्केन की लिखनी हो, चाहे एल्कीन की लिखनी हो, चाहे एल्काइन की लिखनी हो, चाहे एल्कोहल की लिखनी हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे कीटोन, किसी की भी होमोलोगस सीरीज लिखनी हो, अगला कंपाउंड लिखने के लिए आपको उसके अंदर CH2 को ऐड कर देना डेट से। ये मैंने बोला था, यस और नो बच्चे? बेटा एक बार ये है ना, अपनी आंखों के नैन चक्षु को खोल के टाइम टेबल चेक कर लिया करो प्लीज, ठीक है। ये पागलपंती वाली और गवारों वाली हरकत मत किया करो। नोटिफिकेशन के थ्रू तुम्हें बता दिया गया कि न्यू टाइम टेबल इज नाउ अवेलेबल इन योर कोर्स। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैसेज डाल दिया जाता है हर एक चीज का कि आपका टाइम टेबल कोर्स के अंदर नया टाइम टेबल अपलोड हो गया है, फिर भी आप लोगों को नहीं देखना, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई?
अब ना देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम टेबल जाकर चेक करो पता लग जाएगा पैथो की क्लास कब से कब तक होगी। चलिए बेटा एल्केन में जितनी चीजें अभी तक बताई समझ में आ गई, अब हम वो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। तो बेटा एल्केन्स जब मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज मैंने बोली थी कि जितना छोटा हमारा क्या रहेगा, जितना छोटा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। बट मेनली अगर जो हम लोग देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से जो हमारा एल्केन है बेटा यहाँ पर क्या है, एल्केन के अंदर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नहीं रहता है ना। कार्बन है हाइड्रोजन है दोनों, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो एल्केन हमारा क्या है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करेगा तो क्या होगा हाइड्रोजन, ये जो हमारा एल्केन होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं बेटा नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं तो डेट्स वाई जो हमारे एल्केन है वो बेटा वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो देखिए ड्यू टू वेरी लिटिल डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एंड कोवलेंट नेचर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर। मैंने यही रीजन आपको बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जो एल्केन के अंदर हमारा ऑक्सीजन आ जाता, ठीक है अब वैसे आता नहीं है, बट मैंने क्या बोला सिनेरियो इन द केस अगर जो कभी एल्केन के अंदर ऑक्सीजन आ जाता, तो ऑक्सीजन अगर जो यहाँ पर होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती तुरंत ये वाटर सोल्यूबल हो जाता। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं रही, तो बेटा ये कैसे नेचर के रहते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ओके बेटा चलिए आगे बात करेंगे। एज वी जनरली ऑब्जर्व पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट वेयर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी लाइक डिजोल्व लाइक, वॉटर वॉटर के अंदर घुलेगा, ऑयल ऑयल के अंदर सोल्यूबल होगा, है ना, पोलर पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर। ये बात आप लोगों ने सुनी है बेटा, वही बात यहाँ पर बोली गई है कि पोलर हमारे सोलवेंट पोलर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है देखो तो हमारे क्या है, देखो ये क्या है बेटा नॉन पोलर है, तो यानी कि एल्केन भी हमारे किसके अंदर सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर के अंदर। ओके बात समझ में आ रही है, चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। देखिए hence alkane are hydrophobic in nature, they are alkane is insoluble in water, overall वही बात है कि water क्या है, water के अंदर insoluble होते हैं alkane। ठीक है however they are soluble in organic solvent as the energy required to overcome the existing van der Waals forces and generate new van der Waals forces in quantum comparable। देखो हमारा यहाँ पर क्या बोला गया, ये हमारे क्या है नॉन पोलर सोलवेंट है, यानी कि क्या वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहेंगे, बट बेटा सोल्यूबल रहेंगे ये ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सोलवेंट क्या करते हैं यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के पास में क्या है वान डर वाल फोर्सेस, यहाँ पर क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, वान डर वाल फोर्सेस रखते हैं, तो जो हमारे ऑर्गेनिक जो सोलवेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, पुराने वान डर वाल फोर्सेस का ब्रेकडाउन करेंगे, न्यू वान डर वाल फोर्सेस का फॉर्मेशन करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा जो चीज घट रही थी वो वापस से नहीं आ गई, तो क्या हो गया बेटा कुछ भी डिसबैलेंस नहीं हुआ, ओवरऑल कंपेटेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है आगे बात करेंगे अगर जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि बेटा एल्केन्स का जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे, यानी कि क्या वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन फाइव कार्बन कंटेनिंग एल्केन में जैसे चैन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। भाई देखो वो तो सोचने वाली बात है, जैसे आपने बेटा क्या लिया एक कटोरी पानी लिया, उसे गर्म करने में क्या कम टाइम लगेगा और कम टेम्परेचर लगेगा, वही मैं आपसे बोलूं एक पतीला पानी गर्म करना है क्या अभी भी या तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो आप मैंने बोला आपको एक कटोरी पानी गर्म करना है, यानी कि आपके पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है जिसको आप क्या कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो। ठीक है और ये कितने मिनट में, मान लो 2 मिनट में एक पूरा हीट हो जा रहा है। ठीक है ध्यान से समझना चीज को, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल समझने वाली बात है। अब मैंने आपको बोला वहीं पर आपको 10 लीटर पानी को गर्म करना है, ठीक है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्या बेटा अभी भी पानी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, यस और नो हमें आंसर कर दो बस, क्या अभी भी पानी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, या तो हमें पानी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 2 मिनट में गर्म करने के लिए, या फिर हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, एक चीज तो करनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि जैसे हमारा अमाउंट इंक्रीज होगा वैसे हमें क्या है टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है अगर जो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है, बेटा स्लो नहीं हो सकती क्योंकि अगर जो स्लो करूंगा तो कम से कम 9 बजे तक ये यूनिट खत्म होगी, क्योंकि अभी मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है
तो ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेने। देखो एज द इंटर मोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोलिकुलर साइज और सरफेस एरिया ऑफ द मोलिक्यूल वी ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर वेट। ये मैंने बात बोली आपको बेटा। देखो अभी तक मैंने कुछ भी स्पीडली नहीं बताया। देखो पहला पॉइंट मैंने बोला एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेन पॉइंट पकड़ो, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और जर्नल फॉर्मूला रहता है एल्केन का CnH2n+2। स्टार्टिंग की दो स्लाइड में इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सोल्युबिलिटी की बात करें तो एल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर बिकॉज एल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर। बिकॉज व्हाई एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम प्रेजेंट देयर एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड वर नॉट फॉर्म एंड That's why the alkenes are non-polar in nature. इतनी बात अभी तक बोली है, चार लाइन के अलावा इसके अलावा याद करने लायक कुछ नहीं बोला है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला कि जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस या फिर एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई है बेटा अभी तक। ठीक है, चलिए दिस स्ट्रेट चेन एल्केन आर ऑब्जर्व टू हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर। देखो जो हमारे स्ट्रेट चेन एल्केन रहते हैं बेटा उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर रहते हैं एज कम्पेयर टू उनके स्ट्रक्चर आइसोमर यानी कि ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांच चेन एल्केन से ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है स्ट्रेट चेन एल्केन का। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे मूव करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम ऐसे रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के जैसे ही। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। देखिए The melting point of alkane follow the same trend as their boiling point, that is, it increase with the increase in the molecular mass. वही बात मैंने बोली कि जैसे जैसे molecular mass increase होगा वैसे वैसे ही हमारा melting point increase होगा। ठीक है, अरे क्या करना है यार, जब आ जाएगा जब तेरे को भी पता लग जाएगा। अब एकेटी ऐसा तो है नहीं कि तेरे को रिजल्ट नहीं देगी, आ जाएगा। अब जिसका जो सेमेस्टर है वो तो हो गया जैसा होना था। अब जो सेमेस्टर आ रहा है ना उसकी तैयारी कर लो। ठीक है, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट हायर एल्केन्स आर सोलिड एंड इट्स डिफिकल्ट टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देखो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हमारे लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली गैसेज इन फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद में जैसे हम आगे मूव करते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज होते रहते हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज होते रहेंगे यानी कि क्या है, वो अपनी फॉर्म चेंज करेंगे गैस से लिक्विड में देन लिक्विड से सॉलिड में। और आपको पता है अगर जो हम लोग किसी भी सॉलिड मटेरियल को अगर जो हम लोग हीट करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम हम लोगों को लगता है। तो इसी वजह से क्या है कि जैसे जैसे हमारे एल्केन हायर एल्केन की तरफ बढ़ते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाइए। मेल्टिंग पॉइंट की बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे आ जाते हैं एल्केन इन वन शॉट। क्या पढ़ा एल्केन में, बस इतनी चीज पढ़ी। देखो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है CnH2n+2। ठीक है जी, दे आर समटाइम रेफर्स एज पैराफिन, इनको हम कभी कभी पैराफिन भी बोलते हैं। जब हम यूजेज ऑफ पैराफिन पढ़ेंगे तो यूजेज ऑफ एल्केन ही पढ़ेंगे। पैराफिन हमारा लेटिन वन है जो किससे ड्राइव किया है, पैराफ्यूनियस से यानी कि लिटिल एफिनिटी। ओके, यानी कि थोड़ी बहुत क्षमता रखता है ये भी एल्कीन के जैसी। आगे आ जाता है एल्कीन्स। एल्कीन्स हमारे क्या रहते हैं बेटा, हमारे ये भी हाइड्रोकार्बन की फैमिली से है बट यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट रहता है। जो हमारी चेन रहती है उसके अंदर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और जो हमारे एल्कीन्स रहते हैं बेटा वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो रहेंगे जहाँ पर खाली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। आगे मूव करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। एल्कीन्स की फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो देखो जो हमारे 2 से लेकर के 4 तक V1 वाले को हम लोग एल्कीन नहीं मानते, याद रखना। CH2 को हम लोग एल्कीन नहीं मानते क्योंकि बेटा वहां पर दो बॉन्ड खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो देखो 2 से लेकर के 4 तक जो हमारे एल्कीन होते हैं वो कौन रहते हैं बेटा, गैसेस फॉर्म में रहते हैं। हमारे 5 से लेकर के 17 तक जितने भी हमारे एल्कीन होंगे वो हमारे लिक्विड होंगे और 17 से अबाउ जितने भी हमारे यानी कि 18 से ऊपर जितने भी हमारे जाएंगे यानी कि 18 और उससे ऊपर जितने भी हमारे एल्कीन रहेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे बेटा, सोलिड इन नेचर रहेंगे। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड दे बर्न इन एयर विद अ लिमिनस स्मोकी फ्लेम। ये हमारे क्या रहते हैं, बर्न हो जाते हैं किसके साथ में, लिमिनस स्मोकी फ्लेम के साथ में। रूम टेम्परेचर पर सोलिड स्टेट में रहेंगे यानी कि इस फॉर्म में रहेंगे। ओके, बात की जाए डेंसिटी की तो एल्कीन्स की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, लाइटर देन वाटर होती है।
सोल्युबिलिटी की बात की जाए तो एल्किन्स भी हमारे वाटर के अंदर इनसोल्युबल रहते हैं और सोल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर लाइक अवर बेंजीन। ओके आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हमारा जैसे जैसे हमारी चैन इंक्रीज होगी यानी कि चैन लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन का भी इंक्रीज होगा। तो देखिए ये बोला गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन शो अ ग्रेजुअल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास और चैन लेंथ दिस इंडिकेट दैट द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो आप खुद देखो बेटा दो से लेकर के चार तक था गैस में था फिर उसके बाद में गैस फॉर्म में था फिर पांच से लेकर के सत्रह तक क्या है लिक्विड है और उसके ऊपर क्या हो गया सॉलिड हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो गए ना। अब इनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं यूजेस ऑफ एल्कीन। यूजेस ऑफ एल्कीन की बात की जाए यहाँ पर यूजेस ऑफ एल्कीन क्यों ऐड किए गए क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एल्कीन के रिलेटेड कोई भी यूज नहीं पूछा गया पैराफिन में एल्कीन के पूछे हैं इसे मैंने यहाँ पर नहीं बताए थे। एल्कीन के यूजेस की बात की जाए तो देखो बेटा द लिस्ट ऑफ यूज ऑफ वेरियस एल्कीन लाइक इथीन प्रोपीन एसेट्रा इज गिवन। बोलो देखो इथीन प्रोपीन के हमारे यूज देखे देखे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स लाइक पोलिथिन फॉर मेकिंग बकेट्स बाउल्स बैग्स हमारे क्या है पोलिथिन यानी कि पोलिएस्टर पोलिथीन पोलिथीन लास्ट में क्या रहा है इन ई एन ई पोलिथीन बेटा तो क्या है बेटा वो एल्कीन ही तो है ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोलिस्टायरीन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार बैटरी केसेस एंड पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे कार बैटरीज के पार्ट्स के लिए है ना पोलिस्टायरीन के तौर पे हमारा एल्कीन यूज होता है कार बैटरीज और रेफ्रिजरेटर के अंदर। मेकिंग इथेन 1,2 डायोल यूज एज एंटी फ्रीजिंग फॉर मोटर कार रेडिएटर हमारे मोटर कार रेडिएटर को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे हमारा यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल एंड सिंथेटिक फाइबर ट्रायलिन सिंथेटिक फाइबर ट्रायलिन और हमारे क्या इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। मेकिंग एन एंटी नोक फॉर कार इंजन्स हमारे क्या है कार इंजन्स के लिए एंटी नोक के तौर पे तो मेनली देखो कार बैटरीज के लिए रेफ्रिजरेटर के लिए है ना मोटर कार रेडिएटर्स के लिए कार इंजन्स के लिए इनके लिए मेनली हमारा एल्कीन का यूज हो रहा है। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या एल्कीन इन वन शॉट। एल्कीन इन वन शॉट में देखो एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं हेलो सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है कि बेटा ऐसा कुछ है क्या वॉइस स्लो आ रही है क्या यस और नो एक बार कंफर्म करेंगे। एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज एल्कीन्स हमारे क्या रहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पॉइंट बताया है। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है बेटा CnH2n। ओके ये हमारा फॉर्मूला रहता है एल्कीन का। एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन डेट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है बेटा हमारे हाइड्रोकार्बन रहते हैं जो कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। दे आर समटाइम कॉल्ड नोन एज ओलिफिन्स हमारे जैसे एल्कीन को क्या बोल रहे थे पैराफिन ऐसे हमारे एल्कीन को क्या बोलते हैं बेटा ओलिफिन भी बोलते हैं। जैसे लेटिन हमारा क्या है लेटिन वर्ड है हमारा ओलियम से डेरिवेटिव है ओलियम और फीक एयर से ओलियम का मतलब ऑयल और फीक एयर का मतलब चूमे ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हमारा डाइन्स की तरफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स की तरफ। कॉन्जुगेटेड डाइन हमारा क्या अनसेचुरेटेड हमारे ये भी हाइड्रोकार्बन रहते हैं जो क्या कंटेन करते हैं टू डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं अपनी कार्बन चैन के अंदर ठीक है टू डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अब कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर बेटा क्या होता है या फिर हम लोग इसको डाइन पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि डाइन के हमारे तीन पार्ट होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन क्यूमुलेटिव डाइन और आइसोलेटेड डाइन तो वहां पर हम लोग ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैं मेनली आपको पहले डाइन बता देता हूँ। देखो डाइन क्या होते हैं बेटा हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो रिंग चैन के अंदर दो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। डाइन्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड क्यूमुलेटिव और हमारा आइसोलेटेड ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन वे डाइन होते हैं जहां पर हमारे डबल बॉन्ड को डिफरेंशिएट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड यानी कि क्या डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड ठीक है हमारे कह रहे हैं बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन। क्यूमुलेटिव डाइन में क्या होगा हमारे डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर ही अटैच रहेंगे डबल बॉन्ड हमारे एडजेसेंट कार्बन पर ही अटैच रहेंगे। और आइसोलेटेड डाइन में क्या रहता है डबल बॉन्ड को डिफरेंशिएट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू सिंगल बॉन्ड ये हमारे क्या रहते हैं आइसोलेटेड डाइन।
ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे। देखो कंजुगेटेड डाइन के अंदर क्या बोला गया, डाइन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। डाइन इज यूज इन इंडस्ट्रीज एज अ मोनोमर सब यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। इट इज ऑल्सो यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तौर पे मोनोमर पॉलीमर के सब यूनिट के तौर पे हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेटा यहाँ पर कोई डिजिटल कोर्स वाला बच्चा है क्या? हेलो, अरे वॉइस कम आ रही है क्या यार, ऐसा कुछ है क्या? वॉइस कम आ रही है तो लो, अब देखो अभी ठीक है, अभी फटे तुम्हारे कान के। हेलो, मैं तेज बोल लेता हूँ, बस गला बैठ जाए पर तुम्हारे कम कम आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर डिजिटल कोर्स वाला कोई बच्चा है क्या, बताना जरा। चलो फिर ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे डिजिटल कोर्स में लाइव क्लास नहीं चल रही। चलो, इट इज यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, दिस सेक्शन विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर क्लासेस सिंथेसिस सिंथेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइन्स। देखो अब देखो, जो मैंने आप लोगों को तीनों डाइन्स के बारे में बताया, नोमेनक्लेचर ऑफ डाइन, आईयूपीएसी नेम डाइन इज सेम एज द एल्कीन की तरह हम इसका नाम लिखते हैं, एंड होता है इसका क्या है सफिक्स के तौर पर डाइन के तौर पर, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो डाइन करेंगे, ये तो हमें पता है, नेमिंग तो सीखी है हम लोगों ने। ठीक है, देखो ये हम लोगों के एग्जाम्पल्स दिए है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स दिया। क्लासेस ऑफ डाइन यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है। देखो तीन क्लास होती है बेटा, क्यूमुलेटिव डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन। ये तीनों डाइन्स मैं आप लोगों को जब आपको डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन जो सेकंड पार्ट दिया है इस यूनिट का जब पढ़ाऊंगा वहां पर आपको सारी चीजें, ये मैं दोबारा से रिकॉल नहीं करूंगा, याद रखना यहीं पर ही समझ लो। क्यूमुलेटेड डाइन का मतलब क्या है, कार्बन के डबल बॉन्ड जो है तो दोनों डबल बॉन्ड है वो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, डबल बॉन्ड दोनों एडजेसेंट कार्बन पर अटैच रहेंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, ओनली वन सिंगल बॉन्ड। और आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये जो एन की वैल्यू है बेटा यहाँ पर लिखा है इसी वजह से जीरो और वन के इक्वल नहीं हो सकती है। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। कॉन्जुगेटेड डाइन वन शॉट, कॉन्जुगेटेड डाइन, हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन आर कंपाउंड हैविंग टू डबल बॉन्ड जॉइन बाय द वन सिंगल बॉन्ड, यही बात हमने बोली। कॉन्जुगेटेड डाइन ऑल्सो नोन एज 1,3-diene, कॉन्जुगेटेड डाइन को हम लोग 1,3-diene भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो 1,3-butadiene, देखो एग्जाम्पल दिया है 1,3-butadiene का, तो हम लोगों को इस वजह से हम लोग क्या 1,3-diene भी कॉन्जुगेटेड डाइन को बोल सकते हैं, वो भी कभी किसी किसी केस में, ऐसा नहीं है कि हर किसी केस में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देना था इस यूनिट का उसमें हो गया, थैंक यू। अब एक पार्ट इस यूनिट का खत्म हो गया, एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, इतना पार्ट सभी बच्चों को क्लियर हो तो सभी बच्चों का आंसर यस में चाहिए, फटाक से एक बार कंफर्म करेंगे। अगर जो जितना पार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है इतना पोर्शन सभी बच्चों को क्लियर हो तो एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, जल्दी से। जल्दी भाई,
ओके सर, वो स्ट्रक्चर बनाया ड्राइंग का, ये सर क्लियर है सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, फर्स्ट वीडियो देखूंगा तो। अरे अरे लेट ज्वाइन हुआ था, तुम्हारी गलती, डाइन वाला समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा समझा देते, डाइन वाला कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलूंगा। देखो बेटा, डाइन में कुछ याद नहीं रखना है, डाइन के देखो, डाइन का मतलब क्या बेटा, डाई इन मतलब क्या, दो डबल बोन, ठीक है, ऐसी हमारी कार्बन की चेन जिसके अंदर दो डबल बोन प्रेजेंट है, ये बात क्लियर, यस और नो बोलते जाना। अब डाइन का मतलब क्या बेटा, ऐसी कार्बन की चेन जिसके अंदर दो डबल बोन प्रेजेंट हो, दो से ज्यादा नहीं और दो से कम नहीं, दो डबल बोन प्रेजेंट हो। अब दो डबल बोन तीन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसी वजह से डाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्जुगेटेड डाइन, क्यूमुलेटिव डाइन और आइसोलेटेड डाइन। देखो कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या बेटा, जो डबल बॉन्ड है उनको सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब कि क्या, डबल बॉन्ड फिर उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या रहेंगे, ऐसे डाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेटेड डाइन, क्या बोलते हैं ऐसे डाइन को, कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, ओके। ऐसे डाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन। बाहर बहुत ही सुहाना मौसम हुआ हुआ है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम आज हमारी क्लास हम लोग नहीं रोकने देंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन समझ में आया कि डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जाए एक सिंगल बॉन्ड से, यानी कि क्या, जहां पर आपको डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड लिख जाए तो आंख बंद करके बोल दो भाई ये तो कॉन्जुगेटेड डाइन है। क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब क्या रहता है बेटा, डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हो, यानी कि डबल बॉन्ड फिर अगले कार्बन पर फिर डबल बॉन्ड, तुरंत डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे डाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव डाइन, क्या बोलते हैं ऐसे डाइन को, क्यूमुलेटिव डाइन, ठीक है, क्यूमुलेटिव डाइन क्लियर, यस बोलेंगे फटाक से। और अगर जो बेटा हमारे डबल बॉन्ड को, अगर जो हमारे डबल बॉन्ड को, जो दोनों डबल बॉन्ड है उनको सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ टू या फिर मोर देन टू सिंगल बॉन्ड से, यानी कि डबल बॉन्ड के बीच में जिस भी कार्बन की चेन में आपको डबल बॉन्ड के बीच में दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, मतलब क्या होगा बेटा, वो आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन। अब बताओ डाइन समझ में आया नहीं आया, हेलो यार, थोड़ा सा पागल वागल हो गया यार, वॉइस आ तो रही है, ऐसे मत किया करो, अरे यार हाँ एक मैं चीज भूल गया भाई, सभी बच्चों को जो जो यहाँ पर मुस्लिम मतलब कि मोमडन स्टूडेंट्स हैं और सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से, बहुत बहुत बेटा आपका फेस्टिवल है ये, अच्छे से आज एंजॉय करना, एग्जाम के टेंशन को बिल्कुल फ्री होकर के, एग्जाम की टेंशन आज के लिए भूल जाना, आज अच्छे से अपना एंजॉय करना है ना, अच्छे से घूमना फिरना, क्योंकि फेस्टिवल्स वैसे भी मोमडन्स के बहुत एक दो या तीन बार ही आता है, आई होप सो, है ना, तो आपका ये फेस्टिवल है, आपका डे है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करना। और मेरे तो फ्रेंड्स का भी कल से कॉल आ रहा है कि भाई आज तो क्लास ऑफ करके गाँव में आ जा, घर पर बहुत सारी मिठाई के डिब्बे आएंगे आज हमारे गाँव वाले, मम्मी पापा के पास खीर वीर भी आएगी, सिवैयाँ बनती है ना, हमारे दोस्त दे करके जाते हैं, और सबके कॉल भी आ रहे थे कि भाई आ जा आज, तो उन्होंने भाई नहीं हमारे बच्चों के पेपर हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बट नॉन वेज हमारे मेरे फ्रेंड में बहुत कम लोग खाते हैं नॉन वेज, तो बट नॉन वेज मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता, एग तक नहीं खाता, ठीक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं यार, यहाँ से क्वेश्चन जितना पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बताओ, और अब ये कैसा लगा, कैसा लगा ये झटका, आप बताओ, यहाँ से क्वेश्चन जितना अभी तक पढ़ा है आएगा ही नहीं, ये खाली इंट्रोडक्शन पार्ट है, एल्केन एल्किन एल्काइंस, बेटा देखो जो आज पढ़ा रहा हूँ वो भविष्य में काम आएगा, ये याद रखना, बस जो आज पढ़ा रहा हूँ वो भविष्य में काम आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी। मैंने पहली यूनिट में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई थी, वन डिग्री एल्काइन, वन डिग्री एल्कोहल, वन डिग्री एल्किल हैलाइड, वन डिग्री हैलोजन, बच्चे बोल रहे थे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, आगे की चार यूनिट में वो सब काम आया, ठीक है, तो ये पढ़ा रहा हूं तो इसमें आगे की यूनिट में सब काम आएगा, ओके। चलो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की, अभी तो सभी का क्लियर है, ओ भाई यार
थोड़ा सा पागल है क्या? मैंने एक सिंगल बॉन्ड लगाकर एन भी तो लिख दिया, एन भी तो लिख दिया, एन का मतलब होता क्या है? एन भी तो लिखा है ना, ये भी तो देखा करो। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी क्लास में मुंह धो करके बैठा करो या आंखें खोल करके, खाली कानों से मत सुना करो। मिल सकता है, वो भी डाइन वाला पोर्शन, बस मिल सकता है दो नंबर में। ओके चलो, अभी मास्टर कोर्स में एक या दो तारीख तक मैं एक नई चीज ऐड कराने वाला हूं मेरे ऑर्गेनिक सब्जेक्ट में, और का नहीं होगा वो ऐड। मैं अपनी सब्जेक्ट में जितना कर सकूंगा उतना करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक चीज ऐड करने वाला हूं आप लोगों के कोर्स के अंदर। ठीक है बेटा, मास्टर कोर्स वाले बच्चे दो तारीख तक का वेट करें, यानी कि मैराथन क्लास, दो तीन को खत्म है ना मैराथन, हाँ चार तक का वेट करें। आप लोगों की मैराथन अब रेगुलर डाल दी गई, आप लोगों को पता होगा 30 को एचएपी की मैराथन होने वाली है, एक को ऑर्गेनिक की, दो को बायोकेमिस्ट्री की और तीन को पैथो की। याद रखिएगा, चारों मैराथन एक साथ होगी चार दिन में। और कॉलेज को भैया छोड़ भी देना चाहे चार दिन के लिए, हमें अपना टाइम दे दो प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वैसे तो मैराथन का टाइम इवनिंग का ही है, और बायोकेमिस्ट्री की जो मैराथन है वो मॉर्निंग में 10:30 बजे से स्टार्ट होगी, याद रखना क्योंकि उस दिन संडे है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। मेरे सभी सलामी भाइयों को ये दिल्ली से मुबारक। हाँ ठीक है, फोन को रिसेट करके कौन से न्यू अपडेट से न्यू अप, अरे न्यू अपडेट मतलब नई चीज ऐड होगी तुम्हारे कोर्स के अंदर। यार कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ न्यू चीज ऐड होगी तुम्हारे कोर्स के अंदर, कौन सा न्यू अपडेट? मतलब अपडेट मैंने कब बोला? मैंने बोला न्यू चीज ऐड होगी। चलो बेटा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करेंगे। देखो बस मेथड प्रिपरेशन देख लेते हैं फटाक से। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, यानी कि क्या हमारा, क्या एल्कीन हमारा रिएक्शन करेगा, क्या होगा बेटा? एल्कीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, सॉरी हाइड्रोजन के साथ में। इन दी क्या है, प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एल्केन बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। हमारा क्या है बेटा, एल्काइन से भी तो बनाना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर दो, 2CH2 लगा दो। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के एटम हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, प्रेजेंस वही रहेगी निकिल कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस बेटा, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एल्कीन से एल्केन बना दिया और एल्काइन से एल्केन बना दिया, यानी कि व्हेन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एल्केन विल बी फॉर्म। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे वे भी बेटा, कैसे, हमारा किसके साथ में, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में। मतलब देखो हमारा एल्किल हैलाइड है, यानी कि क्या रहेगा, RX रहेगा, नेसेंट हैलाइड रहेगा, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन रहेगा। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, R के साथ में H आ जाएगा, और हमारा क्या होगा, X के साथ में H आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे रहेगा, देखो CH3Cl है मान लो, ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है, यहां से हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड बन गया, ये हमारा एल्केन बन गया। इज दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर बहुत सारे तीन चार रिएक्शन लिख दो, C2H5 या फिर देखो ऐसे लिख दो, CH3Br के साथ कर दो। ठीक है बेटा, कर लोगे, CH3Cl के साथ कर दो, सॉरी Cl के साथ तो हो गया, यहाँ पर क्या कर दो, I कर दो, I के साथ कर दो, CH3F के साथ कर दो। ठीक है, जहां पर बस Cl है वहां पर Br आ जाएगा, आई के में आई आ जाएगा और F में F आ जाएगा। बताओ चार रिएक्शन ये है, एक बार C2H5 भी लगा दो, आठ रिएक्शन लिख सकते हो इसके अंदर। चलो आगे मूव करते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेटा क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग सोडियम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। यानी कि क्या हमारा, जब हमारा क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि क्या, CH3CONA रिएक्ट विद NaOH।
ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ में होगी बेटा, NaOH के साथ में, दोनों मेथड पे तीन बॉन्ड लगा दीजिए। सर तीन, सर मॉडल पेपर है उसमें सोल्व करा लो तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। अरे यार रुक जाएगा, ठीक है चलो। CH3COOH हमारे पास में और NaOH है, इन दोनों के आपस में यहाँ पर रिएक्शन होगी किसमें बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन करा दो। अब देखो यहाँ पर CH3 हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है बेटा, अभी वॉइस आ रही है मेरी, जल्दी बोलो। अभी वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। बहुत अच्छा आपने कॉल कर दिया, सही है ये तरीका, सही है ना। चलिए आगे मूव करते बेटा, चलो इसको दोबारा से बता देता हूँ, जल्दी आ जाओ। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बेटा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, जिसकी रिएक्शन होगी हमारी किसके साथ में, हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखो हमारा CH3COONa रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में, जहां से हमारा क्या बनेगा, देखो ये एच और ये CH3 आपस में रिमूव हो जाएंगे तो CH3 और एच, और बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, Na और Na क्या बना जाएगा, Na2 और CO3, हमारा सोडियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ऐसी एक और रिएक्शन लिख लो C2H5COONa के साथ में, ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में, और यहाँ से बेटा क्या बनेगा, C2H5 और सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा, ठीक है, ये वाला H और ये C2H5 साथ में, और Na2CO3 यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अरे यार वो वाला माइक्रोफोन भी खराब हो गया, अब बताओ क्या कर सकते हैं अभी। चलो ये वाला अभी तो रिएक्शन तुमने बता दिया ना, अभी तो सारी चीजें ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आ जाओ जल्दी से फटाक से, रिक्वेस्ट मत किया करो, मुझे तुम्हारी चीजें पता है, मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया ऑलरेडी। एक्चुअली मैं ये वाला माइक मेरा सबसे बेस्ट है, रोड वाला, अब ये इसमें अभी मेरे सिस्टम में कनेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि लाइव क्लास चल रही है ना, इस टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बैटरीज मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगा दी। अगला मेथड प्रिपरेशन देख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या क्या रहेगा बेटा, आर सिंगल बॉन्ड MG सिंगल बॉन्ड X रहेगा, प्लस एच सिंगल बॉन्ड OH, H2O को मैं ऐसे लिख लूं बेटा, क्यों लिखा, क्योंकि एच इस आर के साथ जाएगा तो आर सिंगल बॉन्ड एच बनाएगा, प्लस ये OH इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जाएगा तो OH सिंगल बॉन्ड MG और सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा रिएक्शन, लिख दो। देखो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड MG और सिंगल बॉन्ड X के प्लेस पे हम लोग CLBRI कुछ भी ले सकते हैं, आप CL ले लेना, यहाँ पर CL ले लेना,
फिर एक बार बी आर ले लेना, एक बार आई ले लेना, यहाँ पर हम सी एल ले लेते हैं प्लस एच टू ओ, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बेटा हमारा क्या बनेगा, देखो सी एच थ्री एच बनेगा और प्लस हमारा क्या निकलेगा बेटा यहाँ से ओ एच सिंगल बोंड एम जी और सिंगल बोंड सी एल। ठीक है बेटा, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोगों ने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात क्लियर है? अरे हीट का तो नॉर्मल है, हीट का तो तुम लोग हर जगह लगा देना, हीट का तो नॉर्मल है, हीट का तो हर जगह लगा देना। डेट वॉज नॉट अ सो मच डिफिकल्ट टास्क। ये बात सभी को क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई? और यहां पर एक और चीज लिख लेना बेटा, ये ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, CO3 कैसे आया मना? अरे यार कैसे बच्चे हैं, देखो हमने वहां पर क्या लिया था, CH3COON ने लिया था भाई और NaOH लिया था। अब मुझे एक बात बताइए, H इसके साथ गया तो क्या बन गया, CH3H बन गया। अब मेरे बेटा देख, Na एक ये रहा, एक Na ये रहा, तो क्या आ गया, Na2 लिख दिया। और CO3 कहां से आया, एक कार्बन ये रहा, मैंने C लिख दिया। देख दो A ये रहे, दिखाई दे रहे हैं, दो O ये रहे और एक O ये रहा, तो CO3 हो गया ना, दो और एक, दो प्लस एक तीन होता है, दो प्लस एक तीन होता है, दो और एक कितना हो गया, एक दो तीन। ठीक है, तो इस वजह से तीन लिखा। चलो आगे मूव करते हैं, वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा होगा और मेरे ख्याल से एग्जाम में भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, मिली होगी। वुड सिंथेसिस में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड लेते हैं, वो भी एक जैसे दो, और उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में कराते हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेकिन जैसे हमारा सी एच थ्री सिंगल बोंड सी एल प्लस टू एन ए लेंगे प्लस, मैं इसको सी एल इधर लिख लेता हूँ बेटा, सिंगल बोंड सी एच थ्री। अब क्या कर दो, डिब्बा पैक, लंच पैक कर दो, ये आपस में डिब्बा पैक हो गए और ये हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे और यहाँ से निकलेगा क्या बेटा, सी एच थ्री सिंगल बोंड सी एच थ्री और प्लस टू नन्ने सी एल। अब ऐसे यहाँ पर बी आर ले लो, एक बार आई ले लो, एक बार एफ ले लो, ठीक है, फिर सी टू एच फाइव के साथ ऐसे करा देना। बट केस बेटा याद रखना कि ये दोनों के दोनों हमारे सेम रहेंगे, वो हमारी क्या रहती है, वुड सिंथेसिस होती है। ठीक है, बात समझ में आई? रिएक्शन लर्न कैसे करनी है बेटा, रिएक्शन लर्न करने का तरीका एक ही है कि आपको ये पता होना चाहिए एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है वो पता है, और सोडियम क्या होता है वो पता है, रिएक्शन में तो देख करके खुद ही बना दोगे। और जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं वो तो बता देंगे कि रिएक्शन बनानी आई या नहीं आई, रिएक्शन बनानी आई या नहीं आई, जो स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे हैं, रिएक्शन बनानी आई या नहीं आई बच्चों। चलो कोलबे सिंथेसिस, कोलबे सिंथेसिस को स्किप कर दो, कोई बात नहीं छोड़ दो इसको। मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का मेथड प्रिपरेशन बेटा देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे हम लोग, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे एल्किल हैलाइड का हमारा, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे विनाइल डाइहैलाइड का, कंट्रोल्ड हाइड्रोजन ऑफ एल्काइल्स और हमारा क्रैकिंग ऑफ एल्कीन्स, ये सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे मैंने पढ़ाए हुए हैं, और इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आप लोग स्किप भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी क्या है एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन में आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन लिख करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में क्या रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या बेटा, यहाँ से हम लोग एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अब एल्कीन बनाने के लिए बेटा हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हमारा ऐसा एल्कोहल लेना पड़ेगा जिसके पास में दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो R सिंगल बोंड सी एच टू सिंगल बोंड सी एच टू सिंगल बोंड OH और सिंगल बोंड OH। ठीक है, पर हम लोगों को दो भी क्यों लेने पड़ेंगे, अरे नहीं एक ही वाला ही ले लो यार, दो वाले में के झंझट में क्यों पड़ रहे। चलो ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, अब क्या करो, यहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और डबल बॉन्ड लाना है, आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और प्लस एच टू। डिहाइड्रेशन कर दिया एल्कोहल का, यानी कि इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। बात क्लियर है, बात क्लियर है नहीं भाई, यस और नो बेटा?
अब यहां पर इसकी एल्कोहल की पोजीशन इधर कर दो, एल्कोहल की पोजीशन इधर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, आर सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो यहां से भी हमारा यही बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सिंगल प्लस हमारा क्या जाएगा एच टू। या तो हमारी पोजीशन यहां पर रहेगी, या तो हमारा क्या रहेगा टू डिग्री एल्कोहल ले लो या फिर वन डिग्री एल्कोहल ले लो, बनेगा हमारा क्या एल्कीन। ठीक है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो बात क्लियर है बेटा, यस और नो बोलेंगे जल्दी से, यस सर, चलिए वेरी गुड। अब बेटा देखो यहाँ पर हीट का साइन लगा लेना और प्रेजेंस कर लेना H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। ओके चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारा क्या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में हमारा बोला क्या गया, देखिए व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड एंड एन एल्कीन इज फॉर्म्ड। देखो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव आउट होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या लेंगे बेटा हम लोग, सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड लेंगे, यानी कि क्या लेंगे अपना आर एक्स लेंगे। ठीक है, ये आर एक्स हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ में, या तो सोडियम के एल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ में, फिर पोटेशियम के एल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ में। अब सोडियम का एल्कोहलिक सोल्यूशन क्या बनेगा NaOH और पोटेशियम का एल्कोहलिक सोल्यूशन का बनेगा KOH। ठीक है, वहां से हमारा क्या है हाइड्रोजन हैलाइड हमारा रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या बनेगा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग किसके साथ में करें, NaOH के साथ में करें रिएक्शन या KOH के साथ में करें भाई, NaOH के साथ में करें या KOH के साथ में, यस सर यस सर यस सर, चलो ठीक है NaOH के साथ में रिएक्शन करके दिखाएं या KOH के साथ में, जल्दी बोलो। देखो एल्किल हैलाइड हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, KOH के साथ में। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब देखो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, देखो यहाँ पर हमारा फॉर्म क्या होगा, बाहर क्या निकल रहा है सबसे पहले तो ये देखो हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि क्या ये हमारा बाहर रिमूव आउट होगा, एक्स एच हमारा बाहर रिमूव आउट होगा, इसको पहले लिख दो। ठीक है, रिएक्शन के अंदर बचेगा क्या आर बचा, रिएक्शन के अंदर क्या बचा बेटा आर बचा। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर जो मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एक्स बनेगा, ठीक है, और यहां पर के ओ एच बनेगा, तो मैं बाहर क्या निकालूंगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एच, ऐसा कुछ कंपाउंड बाहर निकलेगा, है ना, ऐसा कुछ कंपाउंड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लेंगे ताकि कि हमारा पोटेशियम और इनकी भी बैलेंसीज पूरी हो जाए, हम लोग ऐसा हमारा हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर लेंगे, सॉरी हमारा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसके पास में दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसके पास में दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे हमारा एल्किल हैलाइड लेंगे। चलिए देख लेते हैं जिसके पास में दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, देखो किसके पास में रहेंगे आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड एक्स और सिंगल बॉन्ड एक्स। ओके, अब देखो यहां से हमारा बनेगा क्या, आर सिंगल बॉन्ड एच टू, सिंगल बॉन्ड एच टू हमारा क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड सी एच टू, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है, दो हैलोजन ग्रुप है हमारे पास में, एक पोटेशियम है, और हमें क्या निकालना है एच एक्स बाहर निकालना है। हमारे पास में क्या है देखो क्या क्या बचा, ये देखो ध्यान से, पोटेशियम के ओ एच है हमारे पास में, यहाँ से हमारा क्या है एच एक्स तो बाहर आ गया, एक एच एक एक्स ये रहा, एक एच ये रहा हमारे पास में, और हमारे पास में क्या है के ओ एच बचा हुआ है। तो देखो अगर जो मैं यहाँ पर के साथ में हेलोजन ग्रुप को निकाल दूं और यहाँ से क्या कर दूं एच टू ओ को रिमूव आउट कर दूं, तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी बेटा, यस और नो बोलेंगे फटाक से, KX है। क्या रिएक्शन बैलेंस होगी जल्दी चेक करो, हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड, हाइड्रोजन हैलाइड तो हमें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं हो रही है रिएक्शन बैलेंस, नहीं हो रही ना, एक इसको रिएक्शन को दोबारा ही लिखते हैं। देखो आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू और इसके साथ में हैलोजन ग्रुप अपना अटैच, ठीक है,
इसको क्या करते हैं, KOH के साथ में हमारी रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। चलिए यहाँ से हमारा होगा क्या, सबसे पहले तो क्या निकालो अपना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और R सिंगल बोंड CH और डबल बोंड CH2 अपना बनेगा, हमारा एल्किन बन गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर जो मैं यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन हैलाइड को निकाल दूँ तो फिर भी दिक्कत है, ये ऑक्सीजन अकेला घूमता फिरेगा। और अगर जो हम लोग क्या करें, यहाँ से बेटा इसको इसके साथ भेज दे, अगर जो हम लोग ये कर दें KX कर दे और H2O कर दे, तो ये तो अपना हो सकता है। तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन हैलाइड तो बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड बाहर नहीं निकलेगा, इसको कट कर देना, करेक्शन कर लेना। यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकता, H2O और हमारा पोटेशियम ये निकल सकता है। ठीक है, अब रिएक्शन को लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड X, यानी कि X के प्लेस पे हम लोग क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। KOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। अभी ठीक है रिएक्शन, अभी ठीक है रिएक्शन, अभी देखो वो हमने हाइड्रोजन हैलाइड के चक्कर में कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, पोटेशियम हैलाइड, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो हैलाइड ही रहने दो, पोटेशियम, ऐसा लिख सकते हैं, पोटेशियम हैलाइड लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा। चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी केमिस्ट्री के रिएक्शन में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ विनाइल हैलाइड, विनाइल डाइहैलाइड, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, विनाइल डाइहैलाइड लेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर डाई हैलाइड लेंगे, यहाँ पर दो हैलोजन ग्रुप लेंगे, इस रिएक्शन में दो हैलोजन ग्रुप लेंगे और यहाँ से हमारा क्या रहेगा बेटा, डी हैलोजिनेशन करेंगे, यानी कि डी हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हैलोजन ग्रुप दोनों के दोनों यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, डी हैलोजिनेशन करेंगे यानी कि दोनों के दोनों हैलोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव होंगे। यहाँ पर हम लोग बेटा क्या लेंगे, दो अपने हैलोजन ग्रुप लेंगे, देखो कैसे रिएक्शन होगी हमारी, देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BR और सिंगल बॉन्ड BR, ये दोनों हमारे रहेंगे बेटा, देखो दो हैलोजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हमारी किसके साथ में होगी, इसकी रिएक्शन हमारी होगी किसके साथ में, कहाँ गया हमारा, जिंक के साथ में, यहाँ पर जिंक कहीं लिखा होगा, लिखा है जिंक विद जिंक डस्ट, वो लिखा। ठीक है, एल्कीन आर फॉर्म व्हेन द विनाइल डाइहैलाइड आर हीटेड विद जिंक डस्ट इन द इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस रहेगी, यानी कि C2H5OH की प्रेजेंस रहेगी और यहाँ से हमारा बनेगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बेटा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 हमारा रिमूव आउट हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये रिएक्शन हमारी रहेगी। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोग यहाँ पर Cl ले लो दोनों, यहाँ पर ऐसे Br ले लिया, आई ले लो और F ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, हम लोग क्या है हाइड्रोजिनेशन करेंगे एल्काइंस का और वहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा, एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन करेंगे और एल्कीन बनेगा, यानी कि क्या, एल्काइन में अगर जो हम लोग एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दे, यानी कि क्या, देखो अगर जो मैं ऐसे भी रिएक्शन करूं एल्काइन की प्लस H2 के साथ में तो क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें 4 ऐड कर दो तो एल्केन बन जाएगा। ऐसे भी तो रिएक्शन एक कर सकते हो ना आप लोग, कर सकते हो नहीं कर सकते, यस और नो। अब देखो बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, अब हमारा क्या करेंगे, एल्काइंस का कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करेंगे, यानी कि क्या होगा हमारा, वही रिएक्शन होगी जो मैंने अभी लिख करके बताई, और कुछ भी नहीं होगा। प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा, हमारी प्रेजेंस रहेगी हमारी क्या, लैंडर्ड्स कैटलिस्ट टू गिव एल्कीन, हमारी यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी, यानी कि लाइक हमारा क्या PD, हमारा PaCO3, ये सब हमारे क्या रहेंगे यहाँ पर प्रेजेंस के तौर पर रहेंगे। ठीक है, देखो इसको ऐसे ही लिख लो, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसकी एक साथ में किसका एडिशन हो रहा है बेटा, H2 का, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड R, एल्कीन बन गया। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। चलो आगे मूव करते हैं, बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से क्या बनाएंगे बेटा, एल्कीन बनाएंगे, यानी कि क्या,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग हीट अप करेंगे एट हाई टेम्परेचर, यानी कि क्या बेटा 500 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और यहाँ से क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2 हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है, एल्केन और हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बताओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी को क्लियर, आगे बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन सेम एज ऐसे रहेंगे जैसे एल्कीन के हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट के लिए हो गया हमारा दूसरा पार्ट, आज के लेक्चर का वन शॉट का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट यानी कि हमारा क्या है बेटा दूसरा पार्ट क्या है हमारा बेटा दूसरा पार्ट क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है सभी को? यस और नो, जल्दी बोलो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी को क्लियर है? फिर आगे मूव करते हैं भाई, तीसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे इस लेक्चर के। यूजेस ऑफ पैराफिन, पैराफिन के यूजेस क्या होते हैं, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एल्केन्स आर यू ऑल्सो नोन एज पैराफिन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द यूजेस ऑफ एल्केन कैन बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंटेड। देखो हमारे क्या है बेटा एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं पैराफिन, हमारे क्या रहते हैं एल्केन्स का एक डेरिवेटिव है हमारा पैराफिन, और वो अभी हमारे क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर जो हम लोग एल्केन की बात की जाए तो एल्केन के यूजेस बताए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द फर्स्ट 4 एल्केन आर यूज एज हीटिंग कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जो हमारे फर्स्ट 4 एल्केन है वो यूज किए जाते हैं एज एन हीटिंग के तौर पे, कुकिंग के तौर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के तौर पे, या फिर जनरेटर के तौर पे। द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस आर मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन। मैंने अभी जब मैं बैंगलोर जा रहा था वोल्वो के थ्रू, तो मैंने एक पेट्रोल पंप पे जब बस रुकी थी हमारी वोल्वो रुकी थी, तो वहां पर मैं उसकी फोटो क्लिक करने वाला था, बट समहाउ मेरे पास उस टाइम पे फोन अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर लिखा हुआ था एल्केन से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था पेट्रोल पंप पे, तो मैं आप लोगों को वो इमेज शेयर करता फिर कि देखो बेटा एल्केन यहाँ पर मैंने जो आपको बोला था वो होता है, ठीक है। कभी कभी आप जब पेट्रोल पंप पे जाओ तो ये चीजें ऑब्जर्व किया करो। चलिए आगे देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर यूज एज एलपीजी, यानी कि एलपीजी क्या होता है बेटा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारा प्रोपेन और जो ब्यूटेन है, जो हमारी किसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल होती है ना, वो क्या होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, जो हमारा प्रोपेन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोपेन गैस बर्नर, ब्यूटेन इज डिस्पोजेबल सिगरेट लाइटर, दे आर ऑल्सो यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल स्प्रेज। हमारे एरोसोल स्प्रेज जो रहते हैं उनके अंदर एज एन प्रोपेलेंट के तौर पर यूज होता है, प्रोपेन किसके अंदर बर्नर के अंदर, और ब्यूटेन किसके अंदर जो सिगरेट वाले क्या रहते हैं लाइटर रहते हैं ना उनके अंदर भी फिल होते हैं, ठीक है। जो लाइटर होता है उसको फेंक करके मारना, 10 या 15 रुपए का नुकसान करके देखना, रोड जब खाली हो उसे फेंक करके मारना एक पटाखे का काम करेगा, ठीक है। बट अपने से दूर मारना, कभी पैरों में मार दो और उसके जो प्लास्टिक है वो घुस जाए तुम्हारे पैरों में, ठीक है। चलो, एल्केन्स हैविंग कार्बन नंबर 5 to 8 आर वोलेटाइल लिक्विड, जो हमारे एल्केन्स है बेटा नंबर 5 कार्बन से लेकर 8 तक वो क्या रहते हैं वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। दे आर यूज एज फ्यूल एंड एज गुड सोलवेंट एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, जो हमारे 5 से लेकर 8 तक रहते हैं क्या रहते हैं बेटा अच्छे फ्यूल्स रहते हैं। अब वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है बेटा, वोलेटाइल लिक्विड यानी कि ऐसे लिक्विड जो एयर के कॉन्टेक्ट में आकर के क्या इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दे आर यूज एज फ्यूल, हमारे फ्यूल जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल को बोलते हैं खुला नहीं छोड़ना चाहिए वरना उड़ जाएगा, बोलते ऐसा नहीं बोलते क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। एल्केन फ्रॉम हैविंग कार्बन 9 to 16 फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ डीजल एंड अमोनिशियल फ्यूल, हमारे क्या रहते हैं हमारे जो 9 से लेकर 16 जो हमारे एल्केन्स रहते हैं वो मेजर पार्ट होते हैं किसके डीजल के, ठीक है। आगे मूव करेंगे, एल्केन्स फ्रॉम 17 कार्बन अपवर्ड फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो यूज एज एंटी कोरेसिव एजेंट एज देयर हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स डेट वॉटर कैन नॉट रीच दी मटीरियल सर्फेस, क्या है ये हमारे जो 17 से अबाव जितने भी हमारे एल्केन रहेंगे वहां तक हमारा वॉटर बिल्कुल भी उनकी इनर लेयर तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दे आर वेरी 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 हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ओके। आगे बात करेंगे, मैनी सोलिड एल्केन्स यूज एज पैराफिन वैक्स ऑल्सो, जितने भी हमारे यानी कि 17 से अबाव जितने भी हमारे एल्केन्स हैं उनमें बहुत सारे एल्केन्स एज एन पैराफिन वैक्स के तौर पर यूज होते हैं। एल्केन विद 35 और मोर कार्बन एटम आर यूज एज रोड सफरिंग, रोड सफरिंग के लिए हमारे जितने भी 35 से ऊपर एल्केन्स है वो हमारे यूज होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर सच एज पोलिथीन
आर एल्केन विच कैन कंटेनिंग हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम। अब आप बोलोगे सर अभी पोलिथिन की है ना, सिंथेटिक पॉलीमर सच एज पोलिथिन की बात हुई थी एल्कीन में, तो यहां पर कैसे आ गया बेटा, एल्कीन में हुई थी। बट अगर जो हम लोग दोनों डबल बॉन्ड को छोड़ दे, जो बीच में हमारा पोर्शन आएगा जो एन वाला पोर्शन है वो तो एल्केन रहेगा, और पॉलीथीन में क्या रहता है जॉइंट स्ट्रक्चर रहती है, बड़े बड़े नेटवर्क रहते हैं हमारे कार्बन की चैन के। ओके, इस वजह से हम लोग क्या लिख देते हैं वहां पर CH2 ऐसे करके कुछ हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं पॉलीथीन का। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आगे आ जाता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एक एल्कीन की स्टेबिलिटी दो नंबर में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका दो एल्कीन दे देगा इस तरीके से, AKT वाले बच्चों ऐसा कर सकता है। ठीक है, डीजल क्यों नहीं उड़ता बेटा, खोल के धूप में रख के देख लेना, पता लग जाएगा उड़ता है नहीं उड़ता है। ठीक है, एक बार आज एक लीटर लेकर के आना और खोल करके रख देना, पता लग जाएगा उड़ता है नहीं उड़ता है। ओके चलो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी एल्कीन, देखो इसको ध्यान से बस सुनते चलना, सुनने की चीज है, आप स्टेबिलिटी सीख जाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सबसे पहले चेक करना कि हमारा एल्कीन कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है। और हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो सबसे पहले क्या देखना बेटा, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड देखना है और नॉन कॉन्जुगेटेड देखना है। ठीक है, और कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कॉन्जुगेटेड। ओके, पहला कंडीशन, पहला केस। दूसरा केस हम लोग मोस्टली देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। अगर जो हमारे दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड, तो हमारे एक स्पेसिफिक थिंग हो गई। बस हम लोग अब मेनली जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को चेक करते हैं वहां पर देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। कैसे अल्फा हाइड्रोजन, अगर जो मान लो दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ठीक है, तो बेटा हम लोग तब क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे इजीएस्ट है, हम लोग चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। जिस एल्कीन के पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, यानी कि क्या, मोर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, मोर स्टेबिलिटी। जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर जो अल्फा हाइड्रोजन भी हमारे बराबर है तो हम लोग देखते हैं बेटा क्या, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर जो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात की जाए तो अनसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं सिमेट्रिक एल्कीन से। याद रखना तीन पॉइंट बता दिए, कॉन्जुगेटेड, अल्फा हाइड्रोजन और सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। अगर जो दोनों एल्कीन अनसिमेट्रिक है तो बेटा हम लोग चेक करते हैं एल्कीन की फॉर्म, यानी कि क्या सिस है या फिर ट्रांस है, और ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। सिस फॉर्म कैसे बनेगी हमारी, इस प्रकार से, और ट्रांस फॉर्म कैसे बनेगी हमारी, इस प्रकार से। ओके बच्चे, बाहर झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है, बट बस नेटवर्क का इशू ना हो क्योंकि आज हमें यूनिट खत्म करनी है। प्रिपरेशन से क्वेश्चन आज तक तो बहुत कम बार पूछा गया है, मेरे नजरों में तो 2018 से आई होप सो एक या दो ही यूनिवर्सिटी ने पूछा होगा। ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं नीला, जो चीज अगर जो इंपोर्टेंट होगी वो मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा आपके ग्रुप में और आपको क्लास में भी बता दूंगा। ये हो गया बेटा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये तीसरा पोर्शन इस यूनिट का सभी को क्लियर है। फिर आगे बात करेंगे हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा उस पर इंपॉर्टेंट लिखता चलूंगा साथ के साथ। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में हमें क्या पढ़ना है बेटा, देखो हम लोगों को पढ़ना है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन के अंदर, सबसे पहले हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद हैलोजन एटम, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो रही है तो क्लोरीनेशन, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो रही है फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन होते हैं ब्रोमिनेशन, और आयोडीन के साथ में रिएक्शन होते हैं आयोडोनेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अब मैं बात करूं बेटा अगर जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के, तो इसके अंदर हमें रिएक्शन लिखनी है और चारों का मैकेनिज्म लिखना है, एक का मैकेनिज्म बताऊंगा चारों का मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरीनेशन की। देखिए, एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और डिफ्यूज सनलाइट और एट अ टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो हमारा क्या होता है बेटा, एल्केन हमारा जो रहता है
हमारा एल्केन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एट 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जहां से हमारा क्या बनता है बेटा, हमारा क्लोरीनेशन रिएक्शन हमारी अकर होती है, ठीक है। बट क्लोरीनेशन रिएक्शन यहीं पर ही नहीं रुकती है, ये तो हमारी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन सभी को क्लियर है। देखो हमारा यहां से एक एच निकला, उसके प्लेस में सीएल आ गया और हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड बन गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्लोरोमीथेन, क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे क्या बोला गया, द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन यहीं पर ही नहीं रुकती है, मैंने पहले बोल दिया। रिएक्शन बेटा कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे एल्केन में से कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते और उसके प्लेस पे कंप्लीटली सीएल आकर के अटैच नहीं हो जाते। आयोडोनेशन में क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते और उसके प्लेस पे आयोडीन आकर के अटैच नहीं हो जाते। ब्रोमिनेशन में बी आर और फ्लोरिनेशन में एफ। चलो बेटा देखिए, इसी वजह से मैंने उस रिएक्शन को रफ नहीं किया, ये रिएक्शन वापस से आ गई, दोबारा ये रिएक्शन होगी, CH3Cl वापस आएगा बेटा, CH3Cl वापस आएगा, ये दोबारा से Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा सेम प्रेजेंस में, सेम प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन करेगा और यहां से हमारा क्या बनेगा, CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, और यहां से क्या होगा, HCl रिमूव आउट हो जाएगा, फिर से सेम रिएक्शन होगी, फिर से हमारा CH2Cl2 रिएक्शन में आएगा, Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा सेम प्रेजेंस में बेटा 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और क्या बनेगा, CHCl3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और यहां से हमारा HCl रिमूव आउट हो जाएगा, फिर से क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl4 हमारा रिएक्शन में आएगा, क्या आएगा बेटा, CHCl3 दोबारा से रिएक्शन में आएगा, Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा और यहां से क्या होगा बेटा, यूवी रेज की प्रेजेंस में 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी और CCl4 बनेगा, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और HCl यहां से रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ये हमारी रिएक्शन यहां पर आकर के स्टॉप हो जाती है। बट अगर जो हम लोग मैकेनिज्म के देखें तो चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन, तीन स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है। अगर जो हम लोग चैन इनिशिएशन और चैन प्रोपेगेशन तक का स्टेप देखें तो हमारी ये रिएक्शन वहां तक बेटा क्या रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बट जब हम लोग चैन टर्मिनेशन स्टेप को ले आते हैं तो वहां पर जो हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म में, चाहे वो मिथाइल फ्री रेडिकल हो चाहे क्लोराइड फ्री रेडिकल हो, वो आपस में बाइंड अप कर लेते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं, चैन टर्मिनेशन स्टेप में चैन का स्टॉप कर देते हैं यहां पर आकर के, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन सभी को क्लियर है, यस और नो, बेटा क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी की क्लास सर अलग डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं, डेट्स वाई सारे ऑफिस में नहीं आ सकते, इस वजह से। ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो, एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, मैराथन क्लास पैथोफिजियोलॉजी की यहीं पे बोर्ड के थ्रू होगी, टेंशन मत। ये बात सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से बोल देंगे बेटा, इसको पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे मूव करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। देखिए क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म तीन स्टेप में होगा, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन, चैन टर्मिनेशन, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। चलिए अब चैन इनिशिएशन में क्या होगा, चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा, चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं चैन इनिशिएशन की। अगर जो यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर हो तो भाई एक बार चैट सेशन में यस बोल दो भाई, फटाक से एक बार जल्दी से, एक बार अगर जो यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर हो फटाक से, चैन इनिशिएशन की बात करेंगे। चैन इनिशिएशन बेटा हमारा क्या बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। देखो हमारा क्या रहेगा, Cl और Cl, यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा और Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। हमारे दो Cl के फ्री रेडिकल बनेंगे, चैन इनिशिएशन में इतना होगा, ठीक है, याद रखना इन चीजों को, क्योंकि बेटा ये रफ करनी पड़ेगी। चलो रफ नहीं करते, आगे आ जाते हैं। अगला स्टेप आ जाता है चैन प्रोपेगेशन। चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा बेटा, जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल, देखो जो ये बना था, जो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था, इनमें से एक फ्री रेडिकल आएगा मिथाइल के, सॉरी किसके पास में, हमारे एल्केन के पास में। चलो देखो एल्केन क्या है बेटा, मैं CH4 को इस तरीके से लिख लूं, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहां पर आया एक, अभी एक फ्री फॉर्म में मूव कर रहा है और एक यहां पर आ गया, तो बेटा यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो
CH3Cl बनेगा, सॉरी HCH को लेकर के जाएगा, ये HCl बनेगा और हमारा CH3 का फ्री रेडिकल यहां पर फ्री फॉर्म, यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा चैन प्रोपेगेशन स्टेप में। चैन प्रोपेगेशन स्टेप में भी दो स्टेप होते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल बेटा कहां पर जाएगा, हमारे Cl2 के पास में जाएगा और इसका एक अपने पास में बाइंड अप कर लेगा और यहां से क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन बनाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, दोबारा से ये ऊपर जाएगा, यहां पर इसमें से फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, फिर से मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाएगा, ये वापस से इसके पास आएगा इस बार और ये किसके साथ में बाइंड अप करेगा। ऐसे रिएक्शन हमारी दोबारा चलती रहेगी बार बार चलती रहेगी। ठीक है, तो अब इस बार बार रिएक्शन को चलती रहने को देखो, ये लिखा है स्टेप ए एंड बी आर रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। अब इस स्टेप को दोबारा बार बार होने से रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को करना पड़ेगा चैन टर्मिनेशन स्टेप अप्लाई। चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल है, देखो कितने फ्री रेडिकल बने, दो तरीके के, सीएल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। तो हमारा क्या होगा बेटा, चैन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। देखो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सीएल का फ्री रेडिकल बना, वो सीएल के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना ले, सीएल सीएल बना ले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मिथाइल का फ्री रेडिकल बना और सीएल का फ्री रेडिकल बना, ये दोनों रिएक्शन करके बेटा मिथाइल और क्या है, मिथाइल क्लोराइड बना ले। तीसरी कंडीशन, मिथाइल का फ्री रेडिकल और मिथाइल का फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के क्या बना ले बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना ले, और इनके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, इनके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो ये तीनों कंडीशन हो जाएगी। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब ही होता है जो फ्री रेडिकल बार बार रिएक्शन को करा रहा है उसको किसी के साथ में रिएक्ट करा करके शांत बैठा देना। हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो, शांत बैठा दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अभी टर्मिनेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा, CH3Cl बनाया था, अभी हम लोगों को CCl4 बनाना है। देखो यहां पर क्या हुआ, अ क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन ऑल्सो अटैक मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल पर्टिकुलेट फर्दर इन द चैन रिएक्शन टू यील्ड मिथाइलिन क्लोराइड, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। अब यहां पर क्या होगा, देखो जो हमारा क्या है, ये जो हमारा CH3Cl बना था, ये किसके पास में जाएगा, हमारे पास किसके पास में आएगा, दोबारा से यहां पर क्या होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से इसके ऊपर रिएक्शन हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी कि क्या रहेगा, यहां पर देखो CH3Cl है बेटा, यहां पर देखो हमारे पास में क्या बना था, ध्यान से देखना, कार्बन था, Cl था, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख लूं। ठीक है, और हमारे पास में याद करो पहले स्टेप का एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल फ्री में घूम रहा था, उसको वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल अब प्रकट हुआ है, वो आ गया। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, जो अपना बनाता है, क्या बनाता है, HCl बनाएगा, और यहां से क्या बनेगा, हमारा मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल दोबारा किसके पास में जाएगा, CCl2 के पास में जाएगा। ठीक है, देखो मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल बना है, ये किसके साथ में जाएगा, जो हमारा क्या है, Cl2 चल रहा था, चलो उसके पास में पहुंचा दो। अब ये फ्री रेडिकल इसके साथ में बाइंड अप करेगा, ये अपना एक फ्री रेडिकल ले लेगा, यहां से क्या बनेगा, देखो कार्बन Cl Cl हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच गया। अब ये दोबारा से फिर रिएक्शन में जाएगा, दोबारा से फिर रिएक्शन में जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये दोबारा से सेल के पास में जाएगा। ऐसे ये रिएक्शन हमारी चलती रहती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो फाइनल हमारा क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन आर ऑब्टेन बाय फर्दर चैन रिएक्शन। दोबारा से ये एक दो बार और हो गई है चैन रिएक्शन, जहां से हमारा क्या क्लोरोफोर और हमारा क्या बनेगा बेटा, हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन हमारा फॉर्म होगा। इज द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे वीडियो भी अपलोड होगा यार, पीडीएफ भी अपलोड होगा, काहे टेंशन लेता है, मैराथन टेंशन काहे को लेते हैं।
अभी तक एक भी ऐसा वीडियो है का, मेरा एक भी ऐसा वीडियो है का जिसका पीडीएफ या फिर मास्टर कोर्स में वो ना अपलोड हो, क्या बोलते हैं, थंबनेल ना अपलोड हो और लेक्चर ना अपलोड हो, कोई सा भी वीडियो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन में करेंगे, ऐसे हम लोग आयोडोनेशन में करेंगे, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्लोरीनेशन में करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते, देखो ये तो हमारा सिलेबस आ गया, आगे ये हमारा हो गया हेलोजिनेशन का पार्ट क्लियर। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ओजोनोलाइसिस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा ओजोनोलाइसिस के बारे में। अब ध्यान से सुनना, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो इधर देखो, ओजोनोलाइसिस में हमारा क्या होता है, हमारा एल्कीन रिएक्ट करता है ओ थ्री के साथ में। ध्यान से सुनना बेटा, एल्कीन रिएक्ट करता है ओ थ्री के साथ में, जहां से हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और हमारा क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एक तो एल्डिहाइड बनता है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या फर्क है और एल्डिहाइड में क्या फर्क है, मैंने कल भी आप लोगों को जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो देखो यानी कि हमारा क्या, व्हेन एल्कीन रिएक्ट, व्हेन द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, सिंपल एल्कीन, डाई वाई नहीं अभी आया, सिंपल एल्कीन, व्हेन द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कैसे बनेगा, मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे फॉर्म होगा। देखो बेटा मैकेनिज्म, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हमारा एल्कीन है उसमें क्या होगा बेटा, जो अपना CH2 है वो अपनी तरफ अपना बॉन्ड खींचेगा। ठीक है, मैं इसको आपको साइड में लिख करके भी बताता रहता हूं। देखो हमारा एल्कीन क्या लिया था हम लोगों ने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 क्या होगा बेटा, और यहां पर हमारे पास में क्या है, O3 है, यानी कि ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ये इस प्रकार से मूव करता रहता है। चलो देखो, ये अपना बॉन्ड इस तरफ खींचेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखो यही बात यहां पर हो रही है, इसने अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींचा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो यहां पर बॉन्ड हमारा क्या है बेटा, ओजोनोलाइसिस में बॉन्ड हमारा क्या है, मूव करता रहता है। ओजोनोलाइसिस में बॉन्ड हमारा मूव करता रहता है, इसी वजह से बेटा क्या बोला गया, देखो मैंने यहां पर ये साइन लगाया है, तो इन दोनों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव, ये इसका बॉन्ड खींचेगा, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड इधर पहले शिफ्ट किया है। ठीक है, अब ये इसका बॉन्ड लेगा, यहां पर बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, उस पर नेगेटिव रहेगा, ये डबल बॉन्ड देगा, इस पर पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऐसे हमारा मूव करता रहता है। ठीक है, अब देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार से क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे यहां पर कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के, देखो आ जाओ, देखो इस प्रकार से कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलोजोनाइड, क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइड, जो कि बहुत कम स्टेबल होता है, वेरी लेस स्टेबल। मोलोजोनाइड क्या रहता है बेटा, वेरी लेस स्टेबल होता है। ठीक है, मोलोजोनाइड क्या होता है, वेरी लेस स्टेबल होता है। अब देखो, चलो आ जाओ इधर, मैं इधर ही एक बार के मैं लिख दूं क्या तुम लोगों के लिए, अच्छा बार बार उधर जाना पड़ेगा, इधर ही एक बार के मैं लिख दूंगा रिएक्शन। चलो इधर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन गया बेटा, मोलोजोनाइड। ये क्या होता है बेटा, बेटा वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। ओके, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, मोलोजोनाइड तक कि मोलोजोनाइड कैसे बना और कैसे क्या हो रहा है बेटा, क्लियर है, मोलोजोनाइड कैसे बना हमारा, कैसे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यस और नो जल्दी बोलेंगे फटाक से। ये देखो कैसे जाकर के अटैच हुआ, ये पॉजिटिव यहां पर अटैच हुआ, ये वाला नेगेटिव यहां पर अटैच हुआ, और ये ऑक्सीजन नीचे आ गया, ऐसे अटैच हुए हैं। ठीक है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है इतनी। ओजोनोलाइसिस भी बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब मोलोजोनाइड को लिखो इधर, आ जाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये और ये। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, बॉन्ड का कैलिवेज होगा हमारे, और कहां से कैलिवेज होगा, यहां से और यहां से। ठीक है, यहां से बॉन्ड का कैलिवेज होगा और यहां से बॉन्ड का कैलिवेज होगा। अब देखो बॉन्ड का कैलिवेज हुआ, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। अब इस पर नेगेटिव आया, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव रहेगा, और इस पर पॉजिटिव आया तो बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि देखो CH2 अपना क्या है, बॉन्ड अपनी तरफ खींचता है, तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इनको अलग अलग करके लिख दो, कैसे होगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और सिंगल बॉन्ड हमारे पास में O आ जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और प्लस इसके साथ में क्या रहेगा, CH2 जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और बेटा साथ में क्या रहेगा, प्लस O जिस पर पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है सभी को यहां तक? अब उन दोनों को वापस इधर लेकर के आओ, उन दोनों को वापस इधर लेकर के आओ, इधर लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस हमारा क्या जाएगा, CH2 नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड O। अब देखो ये यहां से मिलकर के क्या बनाएगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहां से हमारा क्या बनेगा देखो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो देखो, अब ये दोनों कंपाउंड हमारे आपस में रिएक्शन करेंगे, और यहां से किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ओजोनाइड का, किसका फॉर्मेशन करेंगे, ओजोनाइड का। देखो कैसे करेंगे फॉर्मेशन ओजोनाइड का, ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो नीचे बाइंड हो जाएंगे, और ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, तो देखो कैसे रहेगा। या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लूंगा, इधर से यहीं पे लिख देता हूं यार ये स्पेस, क्योंकि अभी आगे और भी स्टेप आने। देखो CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां से हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हमारा रहेगा, और यहां पे हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन, और ये ठीक है। सही है, बात क्लियर है, यस और नो? अब देखो यहां पर ये फिर से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, कहां से, यहां से इस तरीके से, यहां से फिर से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। और बेटा एक चीज याद रखना, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज रखो, क्योंकि देखो कार्बन क्या है, पांच बॉन्ड बना रहा है यहां पर, मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो मैं मिसिंग कर रहा हूं। देखो दो तीन चार और पांच बॉन्ड बन रहे कार्बन, ठीक है, और सबके तो बॉन्ड ठीक है, इसके कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार, और ये भी पांच ही बॉन्ड बना रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक सेकंड, हाँ ये पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ये हमारा क्या बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये तभी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप मेंशन करके रखो, ठीक है, अब अभी ठीक है। अब देखो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, और ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ से रिमूव आउट होगा, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा यहां से क्या होगा, रिमूव आउट होगा बेटा। और देखो ये हमारा क्या है, इधर रिमूव आउट होगा, क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये वाला इतना देखो CH3 CHO, और हमारा उधर क्या लिख लेगा, देखो इधर क्या लिख लेगा बेटा, CH2O, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही हम लोगों को बनाना था ओजोनोलाइसिस, इसी चीज का हम लोगों को क्या पढ़ना था बेटा, फॉर्मेशन करना था ओजोनोलाइसिस। या फिर अगर जो आप लोगों को यहां पर मैकेनिज्म में ऐसा ना देखने को मिले, आपने ऐसा ना पढ़ा हो, पहले मैंने आपको बताया होगा किस तरीके से यहां पर मैंने एडिशन कराया होगा H2O और जिंक का, यहां पर मैंने एडिशन कराया होगा H2O और जिंक का, जहां से इस रिएक्शन में यहां पर मैं इसको लिख देता हूं बेटा HCHO, ठीक है, और यहां पर हमारा और क्या निकला होगा, H2O2 निकला होगा, जिंक की प्रेजेंस में H2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, यानी कि क्या है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, जिंक की प्रेजेंस में H2O का एडिशन हो रहा है, तो H2O2 हमारा बन गया। अब देखो ये H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2O2 अब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, जिंक के साथ में, जहां से हमारा क्या बनाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल वापस से बेटा रिमूव आउट हो जाएंगे,
ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म है किसका, ओजोनोलाइसिस का, देख लो आकर के यही मैकेनिज्म लिखा है, देखो यही सारी चीज है, वेरी अनस्टेबल रहता है हमारा, यहाँ से देखो इसका फॉर्मेशन हुआ हमारा, ठीक है, यही मैंने फॉर्मेशन कहता है, यहाँ पर चार्जेस अपना लगा लेना, फिर देखो कैली, ये हमारा अगला स्टेप आ जाएगा, देखो क्या हो रहा है, बीच में से हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हाँ वाटर और जिंक हमारा प्रेजेंट है, हमारा ये दोनों एटम लिख ले, H2O2 लिख ला जो माइल्डली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, H2+ जिंक ऑक्साइड हमारा यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। अब अगर जो मैं बात करूं बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक की, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, जैसे देखो ओजोनोलाइसिस के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक आप लोग भी सीख लो, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है ओजोनोलाइसिस की, हाँ कार्बन के पास पास है इसी वजह से मैंने चार्जेस लगा दिए तुम्हारे, देखो शॉर्ट ट्रिक सीखो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 है और ओजोनोलाइसिस करना है, तो क्या करो, बॉन्ड तोड़ो कार्बन लगाओ, बॉन्ड तोड़ो कार्बन लगाओ, बस बॉन्ड तोड़ो कार्बन लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ो कार्बन लगाओ, फाइनल प्रोडक्ट तैयार, क्या बन गया देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस HCHO, बॉन्ड तोड़ो कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन लगाओ, कार्बन बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन लगाओ, बात खत्म, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, चलो ओजोनोलाइसिस क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, क्या है मतलब प्रोफेशन ऑफ अल्कोहल, चलो अब हमारा आ जाता है, हमारी दो तीन चीज बची है इंपोर्टेंट वाली जो मुझे आप लोगों को बतानी है, आ जाओ इधर, अब बेटा आ जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले बात करेंगे sp3 की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के चार पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, 1s और 3p, यानी कि इसके अंदर 25% इन्वॉल्वमेंट s ऑर्बिटल का रहेगा और 75% इन्वॉल्वमेंट p ऑर्बिटल का रहेगा, ठीक है, क्योंकि कि 100, अगर जो 100 रुपए है उसको चार बराबर हिस्से में बांटना है तो 25 25 25 एक के पास आएगा। चलिए अगर जो मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हम लोग कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहते हैं, तो कार्बन को अगर जो हम लोग लेंगे, किसको ले रहे हैं बेटा, कार्बन यानी कि C6 को अगर जो हम लोग ले बेटा, कहां पर, इसके ग्राउंड स्टेट पर अगर जो हम लोग इसको ले और ग्राउंड स्टेट पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2, यानी कि क्या होगा बेटा, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ओके आगे मूव करते हैं। चलिए अगर जो मैं कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिखूं, अगर जो मैं कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो कार्बन क्या कर देगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2p3, तो देखो इसका बॉन्ड कैसे रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ बेटा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कार्बन एट एक्साइटेड स्टेट हो गया हाइब्रिड स्टेट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, हम लोगों ने क्या देखा, एक s है और 3p है, यानी कि क्या होगा बेटा, एक s रहेगा और तीनों p उसके साथ में आकर के अटैच हो जाएंगे, ये s है, ये x है, ये y है, ये z है, ये तीनों p है, px py और pz, ये क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर जो मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा,
क्या बोल रहे हो सर, इतने अच्छे स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या? यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अगर जो मैं इसके शेप की बात करूं, शेप क्या होगी बेटा इसके, टेट्राहेड्रल, और इसके बेटा अगर जो मैं एंगल की बात करूं, एंगल कितना होगा, 100.5 डिग्री इसका एंगल होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर सर जी? रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का? अरे यार फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ नहीं बता सकते, जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर सभी को, यस और नो फटाक से, यस और नो, क्लियर है? इसी वजह से मैं बोल रहा था थोड़ा स्पीडली पढ़ा लेने दो, पर तुमने माने तो नहीं मेरी बात, मेरी बात कौन मानता है, कोई भी नहीं मानता। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो बेटा? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ये किसका बेटा रिप्रेजेंटेशन है, CH4 का, ठीक है। अगर जो आपको CH6 का भी, C2H6 का भी बनाना है तो उसका भी बना देते हैं, देखो छोटू सा बनाएंगे उसके लिए, दो कार्बन रहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा C2H6 का, ठीक है। यहां पर हमारे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये हमारा क्या रह जाएगा, C2H6 का, C2H6 का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें शो कहां होता, मैं तो ये बात नहीं समझ में आती। चलो ये बात क्लियर हो गई, चलो आगे मूव करते हैं। sp2 hybridization, sp2 hybridization में क्या होगा, देखो जल्दी से आ जाओ। sp2 hybridization की बेटा बात की जाए तो देखो ध्यान से, sp2 hybridization में क्या होगा हमारा, यानी कि एक ऐसा ऑर्बिटल रहेगा, दो p रहेंगे, यानी कि पार्ट कितना होगा, 33.33% और 66.66%, है ना। इतना पार्टीशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम एज वही लिखेंगे जो हम लोगों ने sp3 में लिखा था, कार्बन C6, देखो कार्बन एट ग्राउंड स्टेट, टू पी टू, कार्बन एट एक्साइटेड स्टेट, ओके कार्बन एट क्या जाएगा बेटा, कार्बन एट हाइब्रिड स्टेट, कार्बन एट हाइब्रिड स्टेट में कार्बन क्या रहेगा, देखो 1s2, अरे यहां पर कॉन्फिगरेशन तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्या होगा बेटा, देखो ये इसके लिए रहेगा, और यहां पर क्या जाएगा बेटा, 1s और 2p, और हमारा क्या रहेगा बेटा, z वाला ये अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, और ये हमारे क्या बेटा, ये s है, ये p है, px और py, क्योंकि हमें इस बार जरूरत कितनी है, 2p की और 1s की, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू हो गया। अब हम लोग क्या बना देते हैं, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते, sp2 की अब हम लोग क्या बना लेते बेटा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर,
sp2 में क्या रहेगा, दो कार्बन लेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। चलो जो बेटा ये सेंटर में है, ये क्या है बेटा, ये हमारा जेड वाला है, ओके। और ये आपस में क्या बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे इस तरीके से पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड। और यहां पर हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और हमें पता है, क्या बताया मैंने, कि हमारा डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई और एक सिग्मा प्रेजेंट होता है। हमें पाई बॉन्ड के साथ में पता है, हमें डबल बॉन्ड के अंदर पता है कि एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है जी। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है बेटा जी। इतनी बात सभी को क्लियर। अब इसकी बात करेंगे शेप की, इसकी बात करेंगे शेप की, शेप कैसी होगी इसकी बताना जरा, मैं तब तक एंगल लिख देता हूं। ये एंगल इसका 120 डिग्री होगा अप्रोच, और शेप कैसी होगी इसकी, शेप कैसी होगी बताना जरा, जरा ट्राइंगल होगी क्या, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल शेप होगी क्या इसकी, बताओ जल्दी से भाई, इतना समय नहीं है। ट्रायगोनल होगी या लीनियर होगी, जल्दी बोलो। sp2 की जो शेप होगी वो ट्रायगोनल होगी या लीनियर होगी भाई, जल्दी बोलो, जल्दी 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 फटाक से। अरे गधो, ट्रायगोनल होगी। ट्रायगोनल लीनियर एसपी की होती है, ठीक है। और एसपी का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। चलो ये हमारा क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसकी थ्योरी कंप्लीट आपके सिलेबस के अंदर दी है, सॉरी आपके नोट्स के अंदर दी है, उसमें से पढ़ लेना। आगे मूव करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा। अब हम अगर आ जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी क्या रहेगा बेटा, E1 और E2 रिएक्शन, आ जाओ, E1 एंड E2 रिएक्शन होती। वैसे तीन प्रकार की हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बट हमारे सिलेबस में सेकंड टाइप का भी सब टाइप दिए हैं, उसमें E1 और E2 रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे E2 रिएक्शन की, सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं E2 रिएक्शन की। तुम लोगों को कॉलेज तो नहीं जाना क्यों भाई, तुम लोगों को कॉलेज तो नहीं जाना, ये छुट्टी है आज, आज तो छुट्टी होगी ना ईद की, कॉलेज का ऑफ होगा आज तो, है ना, ऐसे ही है ना, आज तो कॉलेज का ऑफ हो गया ना ईद का, छुट्टी नहीं है तुम लोगों की ईद की, छुट्टी है ना, चलो छुट्टी है तो अच्छी बात है, देखा भगवान भी हमारे साथ है कि आज ही हमारी ये यूनिट खत्म होगी। चलो E2 रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, E2 रिएक्शन के सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ो, क्या क्या होती है E2 रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। देखो E2 रिएक्शन में हमारा क्या रहता है बेटा, ये हमारी क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, स्टेप्स लिखते जाना जो जो बोल रहा हूँ। E2 रिएक्शन क्या होती है बेटा, हमारी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसके अंदर हमारा जो मोलिकुलरिटी है वो 2 होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 2 होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी 2 होता है, क्यों, क्योंकि हमारी एक ही स्टेप में न्यूक्लियो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और सब्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं।
ई टू रिएक्शन की बात की जाए तो ई टू रिएक्शन में हमारा क्या है, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, हीट का यूज नहीं करते। ई टू रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ई टू रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ई टू रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है। ई टू रिएक्शन के अंदर हम लोग कैसा सोलवेंट यूज करते हैं बेटा, पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को 8 से 9 पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए ऑन द योर माउथ, आपके मुंह पर ये एकदम तुरंत आ जाने चाहिए। ई टू रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म की बात करेंगे, सबसे पहले सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं ई टू रिएक्शन के, हम लोग सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं, एक मिनट रुको बेटा, चलो आ जाओ। ई टू रिएक्शन में देखो क्या करेंगे बेटा, हमारा आर सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड एच को हम लोग लेंगे। ओके, यहां से क्या होगा हमारा, यहां से हमारा क्या होगा, सिंपली इस हेलोजन का रिमूवल होगा और हमारा क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू का फॉर्मेशन, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, एच एक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। E1 और E2 और SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंशिएशन क्या रहता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा सा वो समझ लो। E2 रिएक्शन में बेटा हमें कोई भी क्या, हमें कोई भी हीट देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, हीट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ठीक है, ना तो एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक हम लोग ना तो ज्यादा हीट लेते हैं, ना ही एंडोथर्मिक यानी कि ज्यादा हीट लेते हैं, ना ही एक्सोथर्मिक यानी कि कम हीट लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हीट हमारी जीरो रहती है। सबसे पहली चीज यही हमारी चीज क्या करती है, इसको SN2 रिएक्शन से अलग करती है। दूसरी बात, अगर जो मैं E1 और SN1 का डिफरेंस आपको बताऊं, तो E1 और SN1 में डिफरेंस क्या रहता है बेटा, E1 हमारी होती है एंडोथर्मिक, मतलब कि क्या, ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर होगी। वही हमारी SN1 होती है बेटा एक्सोथर्मिक टेम्परेचर पर, यानी कि लो टेम्परेचर पर। इस लो टेम्परेचर पर हमारा हमेशा न्यूक्लियोफाइल बनेगा और हाई टेम्परेचर पर हमारा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये याद रखना चीजें बेटा। ठीक है, कुछ चीजें हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अरे चल यार ब्रश कर लो, क्या मुंह से बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे तुम्हें यही लग रहा है क्या, बदबू आ रही है कुछ इधर को, मेरे को कुछ किस भी से देनी है क्या कि मैं ब्रश कर लो, बैठा रहे क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, बात कर लेंगे बेटा अब किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म के बारे में बात करें, मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो हमारा सिंपल हम लोगों ने क्या लिया था, यही लिया था, इसको पकड़ो वापस से, आर सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड एक्स है, सिंगल बॉन्ड सी एच टू है। मैं इसको एच को बेटा ऊपर लिख लेता हूँ, मैं इसको एच को ऊपर लिख लेता हूँ। हमारे पास में बेटा क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर हमारा किसका फॉर्मेशन होने वाला बेटा, ट्रांजिशन स्टेट हमारी आएगी, यानी कि बेबी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, उसका पोलर नेचर यहाँ पर क्या बोलेगा इसको, यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो ये हाइड्रोजन, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है स्ट्रॉन्ग बेस इसको अपनी तरफ बुला रहा है, ये अपनी तरफ बुलाएगा तो CH2 क्या बोलेगा, हेलो आवाज तो आ रही है, हेलो हाँ जी बोलिए, कंट्रोल अपना बेटा होम स्क्रीन पर थ्री लाइन आ रही होगी, ऊपर लेफ्ट साइड में वहां पर टाइम टेबल पर जाकर के क्लिक करो, क्लास वहां पर शुरू हो जाएगी। बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, अरे वो ब्रश करने के लिए बोल, चलो आ जाओ, चलिए आ जाइए। ठीक है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भैया जो ये बॉन्ड बना रखा है ना तो अपना अपने पास ले। अब ये CH2 बोलेगा यार मैं कहाँ रखूँ इसको, तो CH2 देखेगा ये वाली जगह खाली है, तो ये बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारा, इधर शिफ्ट होगा। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
अब ये CH2 बोलेगा अबे तू पागल है क्या, ये कहाँ जाएगा? तो वो बोलेगा भैया यहाँ पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है। तो ये क्या बोलेंगे, भैया हेलोजन भैया प्लीज जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का कैलिवेज होगा और यहाँ से क्या होगा, ये अपना बॉन्ड को लेकर के बाहर निकलेगा, ये अपने बॉन्ड को लेकर के बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो क्या से स्टेट बनेगी, देखो बेटा क्या स्टेट बनेगी यहाँ पर, देखो आर तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ये सी एच यहाँ पर देखो बेटा क्या हो रहा है, ये बॉन्ड तो हमारा है ही, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, यहाँ पर सी एच टू है। देखो बेटा ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है, ग्रीन पेन से कर रहा हूं मैं, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेकर के जा रहा है, हेलोजन हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे करके जा रहा है, हेलोजन अपना बॉन्ड लेकर के जा रहा है और इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला कौन रहा है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बेटा बुला कौन रहा है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला कौन रहा है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुला रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, कौन बुला रहा है, बेस, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड इधर आ रहा है, ये अपना बॉन्ड लेकर के जा रहा है और यहां पर ये क्या हो रहा है बेटा, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर बॉन्ड बन रहा है। अब बताओ बात क्लियर है या नहीं, यस और नो? खाली ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाता है और फिर लात मार के भगा भी देगा। अब ये लात मार के इसको भगाएगा, हाइड्रोजन एच पॉजिटिव घूमता रहेगा, ये एक्स नेगेटिव भी घूम रहा है, वो एच पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के आपस में हाइड्रोजन एसिड बना देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड बना लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक और इसका नाम लिख लेना, बेबी एल्कीन बोलते हैं इसको, बेबी एल्कीन। तो अब अगर जो मम्मी पूछे आज क्या पढ़ रहे हो तो बोल देना मम्मी बेबी एल्कीन पढ़ रहे हो, ठीक है। और यहां से हमारा फाइनल स्टेज क्या बनेगी जी, क्या बनेगा जी, ये बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये हमारा क्या बन गया बेटा, एल्कीन बन गया। दिस इज अवर SN2, बात समझ में आई, दिस इज अवर SN2 बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो? SN2 क्लियर है, जल्दी बोलेंगे, ये हमारी बेटा SN2 हो गई कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे फिर SN1 के बारे में, जल्दी बताओ SN2 क्लियर है सभी को, यस और नो, फटाक से बोल देने का चैट सेशन में, जल्दी से बेटा, फिर हम लोग SN1 के बारे में बात करेंगे, चलो जल्दी से। अब आगे आ जाते बेटा हमारी SN1 रिएक्शन, सॉरी यार ये E1 थी, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, वो E2 थी, ये E1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, E1 रिएक्शन के बारे में बात करें, SN2 और SN1 याद है, E2 हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग E1 रिएक्शन के बारे में बात करें। क्या नहीं समझ में आया, इससे सरल भाषा में अगर जो दुनिया में तुम्हें कोई E2 समझा देना तो मुझे बता देना, अगर इससे कोई इजी लैंग्वेज है तुम्हें अगर जो E2 बता दे, हाँ हाँ हाँ, अरे वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, कभी कभी फेस टू फेस हो जाता है हमारा मामला, समझ में आ रही बात, कभी कभी फेस टू फेस हो जाता है। चलो समझ में आया नहीं आया, यस और नो, जल्दी बोलो, फिर E1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। E1 रिएक्शन में हमारा क्या होगा बेटा, पॉइंट क्या क्या लिखेंगे, E1 रिएक्शन हमारी क्या होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन,
हम लोग यहाँ पर पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर वीक बेस यूज करते हैं और उसके साथ में हीट भी यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा, हमारा जो मोलिकुलरिटी है वो 1 होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है, रेट रिएक्शन का 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे एक स्टेप में एक ही हमारा चीज इन्वॉल्व रहती है, क्या खाली हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अरे ब्रेक ले, अरे गधे दो एक यूनिट में ब्रेक लेने लगा, 5 यूनिट पढ़ानी है मैराथन क्लास में, तुम तो 5 ब्रेक लगवा दोगे, मेरे 1 घंटा खराब करवा दोगे हैं। मैं गला फाड़ के मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे ब्रेक का क्या मतलब है? 3 घंटे तो तुम लोगों को ब्रेक के लिए बोलना भी नहीं चाहिए क्लास में, 3 घंटे एग्जाम में बैठते हो ना, 3 घंटे तक तो तुम्हें ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। कैसी बात कर रहे हो ब्रेक? E1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे भाई अब। ठीक है, अब E1 रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कंपाउंड ले लो क्या, R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लेंगे बेटा हम लोग यहां पर, वीक बेस लेंगे और हमारा क्या लेंगे बेटा, हीट लेंगे। अब कोई बच्चा मुझे इस क्लास में बता सकता है क्या कि इस रिएक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लेते हैं? किसी बच्चे के पास अगर जो एग्जैक्ट रीजन हो तो चैट सेशन में लिख के बताओ कि हम लोग इस रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लेते हैं? पहले स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप बेटा होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अभी हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे, पहले तो अभी हम लोग रिएक्शन नहीं लिख रहे। ठीक है, यहां पर हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा बेटा यहां पर क्या, देखो प्रोडक्ट तो हमारा वही बनेगा जो हमारा E2 में बना था, प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा जो E2 में बना था। क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल CH डबल बॉन्ड CH2। बस यहां पर क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनने में 2 स्टेप लगेंगे। मैकेनिज्म लिख लेते हैं, मैकेनिज्म में क्या है, देखो हम लोगों ने क्या लिया, R CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, RDS है, ये स्टेप हमारा स्लो होगा। RDS क्यों बोला, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटा ये, क्योंकि ये स्टेप स्लो होता है क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस भी स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा हो वो उस रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं RDS, अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक। अरे गधे, अरे गधे, कितना बेकार रीजन दिया। अरे यहां इतनी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग के इन्हें पैच को खोल लो, मम्मी को बोल दो चाय पिला देगी हैं, 3 घंटे तुमसे बैठा नहीं जाता क्लास में, बुड्ढे हो गए क्या, तुमसे ज्यादा जवान तो फिर मैं हूं, वैसे मैं भी जवान ही हूं हैं। तुम लोगों को तो बैठ के आराम से पंखा वंखा चला के, मैंने पंखा भी नहीं चला रखा ताकि कि इको ना आए तुम्हें आवाज ना आए, खड़ा हूं मैं तब से तुम लोगों के सामने, मैं बोल रहा हूं तुम्हें तो सुनना है भैया, आराम से बैठ के सुनते रहो, तुम्हें क्या करना है, हम तो ब्रेक लेने के लिए नहीं बोल रहे, तुम्हें ब्रेक चाहिए। अरे भैया थोड़े से दिमाग के नैन चक्षु खोलो, क्या बोला है, यहाँ स्ट्रोंग बेस हम लोगों ने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अगर जो स्ट्रोंग बेस यूज कर लेंगे तो वो इस हेलोजन एटम का निकलने का वेट नहीं करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बना देगा सीधा, 2 स्टेप इसको छोड़ेगा ही नहीं, सीधा क्या करेगा, क्या करेगा, हेलोजन जाए या ना जाए भाड़ में गई इस बात, हम अटैक करेंगे। ठीक है, हम हमला करेंगे, जैसे उरी पिक्चर देखी है, उरी पिक्चर में स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं वो लोग, कि वो अटैक करने जाते हैं, वहां पर क्या थे, बहुत सारे अलग अलग जगह के और भी टेररिस्ट थे, तो पहले क्या बोलते हैं, यहां पर और भी टेररिस्ट है, हमारी रिपोर्ट गलत है, हमें क्या है और लोगों को बुला लेना चाहिए। उसने क्या बोला, जो हीरो था उसने क्या बोला, नहीं हम अटैक करेंगे। तो ऐसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोलता है, चाहे न्यूक्लियोफाइल लिख ले या ना लिख ले हम अटैक करेंगे, बट स्लो जो वीक बेस रहता है वो क्या करता है,
पहले वहां से हेलोजन ग्रुप का रिमूव होने का वेट करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर उसके बाद में जाकर के अटैक करेगा। शांत स्वभाव का है, इस वजह से E1 में वीक बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते के साथ ही तो E2 हो जाएगी। तो ये रीजन था, आ रही बात समझ में? थोड़ा सा लॉजिस्टिक भी ले लिया करो केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री हवा नहीं है कहानी भी बना लिया करो भैया, यही तो रीजन देना था। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट वेट द आवर हेलोजन ग्रुप विल बी रिमूव और नॉट, इट विल बी अटैक। बस यही तो बात लिखनी है, फिल्मी बात लिखनी है। इधर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पर कैलिवेज होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या बन गया बेटा हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती थी, क्या कंडीशन हो सकती थी, यहाँ पर हो सकता था बेटा रीअरेंजमेंट, यहाँ पर बेटा क्या हो सकता था, रीअरेंजमेंट भी हो सकता था। बट अब हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर मिला बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। वहीं पर बेटा अगर जो ये वाला कंपाउंड मैं ऐसे लिखे रखता, इस पर समझने वाली चीज है, R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये भी CH2, सिंगल बॉन्ड X, तो कैलिवेज यहां से होता, क्या बनता बेटा कार्बोकैटायन, R सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर कार्बोकैटायन बनता। तो मैं इस केस में बेटा एक और स्टेप बढ़ाता और इसका रीअरेंजमेंट करता, और इसका रीअरेंजमेंट करके क्या लिखता, R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोकैटायन जितने ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा स्टेबल। तो बेटा वन डिग्री कार्बोकैटायन से हमने 2 डिग्री बनाना सही समझा, क्योंकि मैक्सिमम यहां पर 2 डिग्री बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हियर। यहां पर हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, बट रीअरेंजमेंट करना चाहते मतलब इस तरीके की रिएक्शन में हमारा पॉसिबल होता है, इस वजह से मैंने यहां पर लिखा है रीअरेंजमेंट भी हम लोग करते हैं इस रिएक्शन के अंदर। कहां पर करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी पता लग गया, यस और नो लिखेंगे फटाक से, जल्दी से यस और नो लिखेंगे भाई। अगर जो रीअरेंजमेंट की बात आ जाएगी तो बेटा क्या है, हमारे जो पहला स्टेप है उसके अंदर एक स्टेप और बढ़ जाएगा अंदर ही, ठीक है। अब देखो कार्बोकैटायन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन बन गया अपना भाई, ठीक है, लिख दो इधर इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, वीक बेस रहेगा और हमारी हीट रहेगी, वीक बेस रहेगा और साथ में हमारी क्या रहेगी, हीट रहेगी, और यहां से हमारा क्या बनेगा, देखो कार्बोकैटायन जो हमारा ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, अब जो ये वीक बेस है वो यहाँ के, अगर जो बेटा इसको ऐसे लिख लू, किसी को कोई दिक्कत है क्या, सॉरी मैं इसको अगर जो ऐसे लिख लू, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब ये वीक बेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या बोलेगा, भैया अपना बॉन्ड रख लो, और जैसे ही यहां पर बॉन्ड आएगा यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपना बॉन्ड खींच रहा है मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, हमने क्या बताया था आपको, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं भैया, बॉन्ड बनाते हैं, लगा दीजिए बॉन्ड, क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनाना था, यही तो बनाना था भैया, बताओ समस्या क्लियर हुई या नहीं हुई। यहां पर क्या कर रहा है, बेस क्या कर रहा है बेटा, बेस क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहां से हेलोजन किधर गया, ये हेलोजन कहां गया सर, आपने लिखा ही नहीं बेटा, ये क्या है, मानने वाली चीज होती है, अभी रिएक्शन में बैठा है वो, बेस ज्यादा टाइम तक इसको हाइड्रोजन को अपने पास ही रखेगा, लात मार के भगा देगा, बोलेगा भैया हमारा वीक बेस है, हम CH3 यहाँ पर इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल इस तरीके के हम लोग यूज करते हैं, तेरा CH3OH के साथ मैं बहुत खुश हूँ, बस तुझे मुझे अपनी तरफ बुलाना था, है ना, वो है ना था वो रील्स देखे तुमने, दोस्त को धोखा दिया, उसके बाद में उसने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और उसके बाद में उसने उसको धोखा दे दिया, है ना, तो वही काम इधर हो रहा है, तू इधर इसको धोखा दे करके आया कि भाई मेरे प्यार में तू आकर्षित हुआ, तूने मतलब कि CH2 को धोखा दिया ना, और CH2 मेरा दोस्त है,
और मैंने तुझे धोखा दे दिया, भगा देगा। अब ये बेचारा भाई किसी ना किसी के साथ शादी तो करेगा, तो हेलोजन घूम रहा था ऐसे, उसको भी बेवफाई की थी इसने, इसने इसने उसको भगाया था हेलोजन को। वो दोनों मिलके एक बना लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। अरे स्क्रीनशॉट क्यों नहीं होता? अच्छा स्क्रीनशॉट लगा दे तुम्हें, स्क्रीनशॉट नहीं होता बेटा किसी भी ऐप पर नहीं होता स्क्रीनशॉट। चलो ये बात क्लियर है, E1 और E2 रिएक्शन क्लियर हो गई। कैसा लगा E1 और E2 रिएक्शन पढ़ के? अब आ गया जाता बेटा मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब ये रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल एक चीज बोलता है खाली, क्या? मार्कोनिकोफ रूल बोलता है कि हमारा जो हेलोजन ग्रुप रहेगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास में हाइड्रोजन कम है। क्या बोला? कि मार्कोनिकोफ रूल बेटा क्या बोलता है कि हमारा अगर जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के अंदर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन होगी तो हमारा हेलोजन ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा, हमारा हेलोजन ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। वही बेटा एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलता है क्या कि जो हमारा हेलोजन ग्रुप होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। हमारा हेलोजन ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। दिस इज अवर मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल। बात क्लियर? मार्कोनिकोफ रूल शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल शो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बात क्लियर? यस और नो? मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ क्लियर? अब इस यूनिट में, इस पोर्शन में कितने चीज बच गई? कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। एक एक टॉपिक पढ़ा है। अब बोलोगे सर E1 और E2 का डिफरेंस तो आपने बताया ही नहीं सर, है ना? ऐसा भी बोल सकते हैं बहुत सारे बच्चे इधर कि सर आपने E1 और E2 का डिफरेंस तो बताया नहीं। अरे भैया अभी पॉइंट बताए थे ना, E1 यूनिमोलिकुलर, E2 बाइमोलिकुलर, है ना? E1 हमारा टू स्टेप, E2 हमारा सिंगल स्टेप, ये सब डिफरेंस ही तो है। लिख दो 8-9 डिफरेंस लिख दो, बहुत है, बहुत है 8-9 डिफरेंस। अब बेटा एक बात बताओ तो, लगभग 2 घंटे की क्लास हमारी हो गई है, मतलब 2 घंटे क्रॉस कर लिए हम लोगों ने। अब बात बता दो कि यहां तक की क्लास कैसी लगी और अभी तक कितनी चीज समझ में आई? जो नए बच्चे हैं पेन किलर वाले बच्चों का आंसर मुझे जरूर चाहिएगा, जल्दी बोल दो भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। 2 घंटे 9 मिनट हो गए हमें, 2 घंटे 9 मिनट हो गए जी हमें बोलते बोलते, बताओ। और तुम्हें सुनते सुनते और कुछ नहीं बचा है भाई इस यूनिट में। अभी हम लोग बनेंगे बस डाइंस के बारे में, और वो बहुत तो छोटा सा पोर्शन है। जितना पोर्शन अभी तक बताया बात सभी को क्लियर है नहीं है वो बताओ जल्दी से, फटाक से जल्दी बोलो। अरे तीसरी यार, ए प्रभु उठा ले मुझे। इस बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता ही SN1 और SN2 किस यूनिट में है। अब बताओ ऐसे बच्चों का क्या करें? दुख नहीं होगा बताओ खुद ही, मतलब उसे अभी तक ये भी नहीं पता SN1 और SN2। बेटा सिलेबस है तेरे पास, हमने भी प्रोवाइड किया है, ठीक है? और नोट्स मंगा लेता तो उसके साथ सिलेबस भी आ जाते, कोई बात नहीं। चलो बेटा SN1 SN2 थर्ड यूनिट में। चलो आ जाओ बात कर लेते हैं अपने डाइंस के बारे में बेटा। सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये रहे डाइंस, ये मैंने लिख करके खुद पढ़ाया था, जितनी चीजें अभी मैंने आपको बताई है वो यहां पर लिखी है। डाइंस हमारे क्या होते हैं बेटा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर हमारी ऐसी चैन जहां पर हमारे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम लोग डाइंस बोलते हैं। डाइंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, डाइंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्या बच्चा है? क्या बच्चा है?
रकम समझ आया सर इससे के लिए। चलिए डाइंस के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ डाइंस अब बोलेंगे तो तीन टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, जिसको हम लोग नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं। क्यूमुलेटिव यानी कि हमारे डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर, हमारा कॉन्जुगेटेड मतलब कार्बन जो हमारे डबल बॉन्ड है उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और आइसोलेटेड के बीच में दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। ओके, बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल डाइन बेटा हमारा कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव डाइन होता है, सॉरी कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन हमारा रेजोनेंस शो करता है, और हमारा सबसे कम स्टेबल बेटा हमारा क्यूमुलेटिव डाइन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है, और एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर स्टेरिक हेंड्रेंस हमारा अप्लाई होता है, रिपल्शन होता है, इस वजह से हमारा क्या कॉन्जुगेटिव क्यूमुलेटिव डाइन, ये क्यूमुलेटिव है, कभी इसको कॉन्जुगेटिव समझो, क्यूमुलेटिव डाइन हमारा क्या होता है बेटा लेस स्टेबल होता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे, आगे हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइंस का है अल्कोहल से, हम लोग अल्कोहल की हेल्प से हम लोग बनाएंगे हमारा क्या बेटा डाइन। हम लोग क्या लेंगे बेटा अल्कोहल के लिए, हमारे टू अल्कोहल लेंगे, यानी कि ऐसा कंपाउंड लेंगे जो दो अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने कहां पढ़े थे, एल्कीन के पढ़े थे, उनमें बेटा जो आप सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे थे बस उसको डबल कर दो डेट से, और कुछ नहीं करना है। जो आप सिंगल ले रहे, देखो अल्कोहल से हमने डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाया था, दो कंटेनिंग अल्कोहल ले लो हमारा डाइन बन जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या किया था बेटा हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन की थी, है ना, वहां पर हमारा क्या था, हमारा पोटेशियम हेलोजिनेशन हो रहा था, है ना। यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, हम लोग दो हेलोजन कंटेनिंग हमारा कंपाउंड लेंगे, और जहां से हमारा क्या बनेगा डाइन बन जाएगा, टू हमारा क्या है एच, और हमारा हेलोजन ग्रुप रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, आगे हमारा आ जाएगा क्या बेटा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में हमारा क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, हाँ हाँ सारी चीजें बताऊंगा, अभी यूनिट खत्म हो जाने दो। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, यूवी रेज की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी आ जाती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बेटा क्या होगा, हमारा सिंपली क्या होगा बेटा, वॉटर मोलिक्यूल एड किए जाएंगे किसके अंदर हमारे, देखो देखो यहाँ पर एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव है हमारा, ये सिंपली हमारा ओ एच नेगेटिव अटैक करेगा इस पोजिशन पर, क्योंकि यहां से हमारा क्या है डबल बॉन्ड की हम लोग क्या कर रहे हैं शिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि रेजोनेंस शो कर रहे हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां पर इसको मैंने क्या किया था, इस तरीके का आपका कोई ये डाइन था, एक सेकेंड, ठीक है, इस प्रकार से आपका कोई ये डाइन था। ओके, और जिसमें आपके डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर प्रेजेंट थे। अब हम इसका रेजोनेंस बना रहे थे तो ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ रहा था, और ये यहां से शिफ्ट होकर यहां पर जा रहा था, तो ये यहां पर चार्जेस किस प्रकार से बन रहे थे, देखो हमारे चार्जेस कुछ इस प्रकार से बन रहे थे, यहां पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब हम लोगों ने क्या बोला था, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा इस प्रकार से, ये यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा H है और OH है, H का पॉजिटिव नेगेटिव के पास और OH का नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो OH हमारा इस पोजीशन पर आ गया और H हमारा यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर बेटा क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अभी देखो यहां पर क्या था, CH2 था, और यहां पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। बात क्लियर है, चलिए अगली केमिकल, ये हमारी क्या थी एडिशन रिएक्शन थी। देखो एडिशन रिएक्शन में हमने HCl के साथ में भी करके दिखाया था, यहां पर H आ जाएगा और इस पोजीशन पर Cl आ जाएगा। अगर जो आप लोगों को ये रिएक्शन क्लियर हो तो यस लिखो एक बार, और नहीं क्लियर हो तो मैं दोबारा लिख करके बताऊंगा, जल्दी बोलो। अगर जो ये रिएक्शन बेटा क्लियर हो तो यस लिखो, और नहीं क्लियर हो, देखो ये वाली पहले वाली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, क्लियर हो तो यस लिखो और क्लियर नहीं हो तो नो लिखो, मैं फिर से लिख करके बताऊंगा, जल्दी बोलो। रिपल्शन मीन्स बेटा एक दूसरे को दूर भेजना, रिपल्शन मीन्स एक दूसरे को दूर भेजना।
क्लियर है? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए डाई एल्डर रिएक्शन के बारे में बात करें। डाई एल्डर रिएक्शन बेटा हमारा क्या रहता है, डाइन रिएक्शन करता है एल्कीन के साथ में, जहां से हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, साइक्लिक कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो डाई एल्डर रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, स्टेप नंबर वन क्या होता है, देखो हमारा क्या होता है, बॉन्ड का वही मूवमेंट करेंगे हम लोग, है ना, बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इसने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जब हमने एल्कीन लिया था उसमें भी बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करा देंगे और जहां से हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर के एक बॉन्ड बना देगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। तो डाई एल्डर रिएक्शन की थ्योरी कैसे लिखेंगे, इन डाई एल्डर रिएक्शन अवर डाई इन रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, आगे हमारा आ जाएगा बेटा डाई एल्डर रिएक्शन के बाद में हमारा आ जाएगा क्या, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हमारी, और हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा था, देखो हमारा सिंपल डाइन है, हमारा एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ में कराई थी, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। देखो हमारी क्या है, क्यूमुलेटिव हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन है, जिसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ में कराई थी, HBr के साथ में। अब HBr के साथ में जब रिएक्शन हुई थी तो यहां से बेटा क्या हुआ था, हमारा बॉन्ड का शिफ्टिंग हुई, वही अपना यहां पर क्या गया, देखो इधर हाइड्रोजन आकर के अटैच हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ने एक बॉन्ड बना लिया, और ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में आकर के अटैच होगा, और यहां से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो पहले स्टेप में हमारा क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और सेकंड स्टेप में हमारा क्या जाएगा, Br आकर के अटैच हो जाएगा इस रिएक्शन में, और हमारा क्या जाएगा, रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, ब्रोमाइन आयन कैन अटैक ऑन बी, देखो हमारा जो हमारा ब्रोमाइन आयन रहेगा वो कहां पर अटैक करेगा हमारा, देखो या तो हमारा इस पोजिशन पर अटैक करेगा, देखो यहां से दो प्रोडक्ट हमारे बन सकते हैं, इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ो, देखो इसको मैं लिख करके बता देता हूं तुम लोगों को, ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने क्या लिया बेटा, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने अपना कॉन्जुगेटेड डाइन लिया, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराई किसके साथ में बेटा, HBr के साथ में, ठीक है। इसने Br ने अपना बॉन्ड खींचा, नेगेटिव पार्शियल इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होगा, CH2 की तरफ बॉन्ड आया, इसने पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इसने अपना बॉन्ड खींचा इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इधर नहीं, इधर बॉन्ड की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी अभी फिलहाल, इस इधर कोई भी शिफ्टिंग मत करो, ठीक है। यहां से हमारा क्या होगा, देखो दो हमारे कंपाउंड बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, देखो अभी तो इन्होंने खींचा है तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा या तो इसके साथ जाकर के अटैच होगा, ये पॉजिटिव इसके साथ जाकर के अटैच होगा, तो देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और बेटा ये क्या होगा, देखो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाकर के अटैच होगा, Br आ जाएगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, या तो हमारा ये बनेगा। अब भाई इन दोनों को कोई थोड़े ना एलर्जी है HBr से, तो ये भी तो अटैच कर सकते ना HBr को, इनको थोड़े ना एलर्जी है कुछ HBr से, तो एक कंडीशन में HBr क्या, Br हमारा इस पोजीशन पर आकर के अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बोली गई है, देखो बेटा एक कंडीशन में हमारा देखो Br क्या है, इस पोजीशन पर है, और एक कंडीशन में हमारा Br इस पोजीशन पर है, इनको एलर्जी थोड़े ना है भाई Br से, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर इस पोजीशन पर कैसे अटैच हो जाएगा, CH2 तो अगर जो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो भी तो सर वो क्या बनाएगा, अगर जो CH2 अपनी तरफ बॉन्ड को खींच रहा है तो सर यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Br पे क्या है, सॉरी सर CH2 अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और Br पर भी नेगेटिव है, तो सर यहां पर बॉन्ड कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन आया मन में कि सर अगर जो आप यहां पर अगर जो बोल रहे हो तो यहां पर तो ये अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और Br पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये मन में आया क्वेश्चन, आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये मन में, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया मन में कि ये Br अपनी तरफ खींचेगा तो सर यहां पर नेगेटिव नेगेटिव आपने कैसे ज्वाइन कर दिया, इसके पीछे बेटा रीजन है, या नहीं आया, नो सर, अरे नो नो कहीं के लिए बोलो, मन में क्वेश्चन आया नहीं आया, यस और नो बोलो जल्दी से, चलो इसके पीछे देखो बेटा रीजन क्या है, अगर जो हमें Br को इस पोजिशन पर अटैच करना है तो देखो ये हमारा क्या बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये हमारा क्या बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो यहां पर क्या होगा बेटा हमारा बॉन्ड का क्या होगा, आपस में पहले ये क्या है अपने अपने बॉन्ड खींचेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कंटेन करेगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा बेटा देखो ये क्या करेगा पॉजिटिव कंटेन करेगा और ये नेगेटिव,
तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, ये अपनी तरफ कंटेन करेगा। यहां पर डबल बॉन्ड अब हमारा शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हमारा बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो थी वही है, यहां पर डबल बॉन्ड हमारा बीच में शिफ्ट होगा, उसके बाद में हमारा क्या होगा बेटा, आगे की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी। ठीक है, दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई हमारा यहां पर क्या है, बीआर इसके साथ में आकर के अटैच हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या है, बीआर इसके साथ में आकर के अटैच हो रहा है। ओके, अब देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहां पर हमारा, और CH हमारा हाइड्रोजन यहीं पर आकर के अटैच हुआ है, ऐसा नहीं है इस पर आकर के अटैच हुआ। ठीक है, चलो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ गया है, तो हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ROOR यानी कि क्या, अपना एस्टर को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ROOR। ठीक है, एस्टर को रिएक्शन कराएंगे, यहां पर भी हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, 1,2 एडिशनल प्रोडक्ट और 1,4 एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैकेनिज्म में क्या रहेगा, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन। चैन इनिशिएशन में क्या होगा, ROR का ब्रेकडाउन होगा, जहां से ब्रोमाइड फ्री रेडिकल हमें मिलेगा, ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल मिलेगा। चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा, हमारा ये रिएक्शन करेगा, ब्रोमाइड हमारा आकर के अटैच हो जाएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल या फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दो तरीके के फ्री रेडिकल देखने को मिलेंगे। और यहां से भी हमारा क्या होगा, जब हमारा क्या है, पहले जो ए नंबर पर फ्री रेडिकल बना है, यानी कि 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल बना, जब उसके ऊपर अटैक होगा तो वहां से क्या फॉर्मेशन होगा, हमारा ये फॉर्म होगा, ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल आएगा, वो वापस से रिएक्शन में जाएगा, जैसे हमारा क्या हो रहा था, हैलोजिनेशन में हो रहा था। ठीक है, जब बी नंबर वाले प्रोडक्ट पे हमारा क्या करेगा, ब्रोमाइड अटैक करेगा, तो हमारा क्या, ये प्रोडक्ट बनेगा और बीआर हमारा क्या, फिर से फ्री रेडिकल के फॉर्म में दोबारा से रिएक्शन में चला जाएगा। चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, रिएक्शन रोकने के लिए जितने भी हमारे क्या फ्री रेडिकल बने हैं, वो आपस में रिएक्शन करेंगे। देखो ये फ्री रेडिकल ने आपस में रिएक्शन करके ये बना लिया, इन दोनों फ्री रेडिकल ने रिएक्शन करके ये बना लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इन दो, ये ए वाला फ्री रेडिकल है 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है बी वाला, और रिएक्शन करके ये बना लिया। ये हमारा क्या है बेटा, कंप्लीट है अबाउट डाइंस एंड सेकेंड यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है बेटा, डाइंस एंड कंप्लीट हमारा क्या है, अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट। लगभग 2.5 घंटे में हमारी सेकेंड यूनिट खत्म हुई है। अब बताओ सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। एक बार डाइंस को रिवाइज कर लेना, अगर जो नहीं समझ में आता है, ध्यान से सुनो, अगर जो नहीं समझ में आता तो मैराथन क्लास में फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चीजें क्लियर है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा, एक बार फटाक से क्लियर है या नहीं है, यस और नो। फर्स्ट सेम से सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, फर्स्ट सेम में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस में बताए हैं, एनालिसिस के भी और ऑर्गेनिक के भी और एचएपी के भी, वो पर वहां पर जाकर के देख लो, नहीं डिजिटल में पीडीएफ नहीं डलेगा। एक एटू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को जब आपके एग्जाम से पहले, एक वीक पहले बताऊंगा सारी चीजें, अभी पेपर एनालाइज नहीं किया मैंने। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो छोड़ दो, पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ पहले आरजीबीवी, बिल्कुल सही बात, जब मैराथन कराऊंगा ना बेटा उस टाइम पे आरजीबीवी के क्वेश्चन बता दूंगा, उसी दिन बता दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ पहले आरजीपीवी के बताएंगे फिर एकेटीवी के बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ये बताओ जो पढ़ाया है वो क्लियर है नहीं है, थोड़ा सा स्पीडली हुआ है, कोई बात नहीं,
जितने कॉन्सेप्ट अगर जो इसमें से कोई क्लियर ना हो उसको अपने बेटा नोट में मेंशन कर लेना इस लेक्चर को देखने के बाद में। ये वन शॉट पहले इसी वजह से कराए जा रहे हैं ताकि कि आप मैराथन क्लास में उनके डाउट्स पूछ सको। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मेरा क्लियर नहीं है, जब मैराथन चलेगी उस टाइम पे आप लोग कमेंट में बोल देना कि सर प्लीज ये टॉपिक स्पीडली मतलब कि डीपली पढ़ा देना, फिर से पढ़ा देना, तो मैं उसको फिर से ले लूंगा। ठीक है, हाँ सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा, रिजल्ट टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो ओके। चलिए अब हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली, शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए। चलो आरजीपी वालों के लिए जो डीमोटिवेट करते हैं ना आपके सीनियर्स, उनके लिए एक शायरी है। चलो जो तुम लोगों के सीनियर्स तुम लोगों को डीमोटिवेट करते ना। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, समझ नहीं आया, वहां भी बता देना। हाँ बिल्कुल, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत। चलो चलो, जो तुम लोगों को सीनियर्स डीमोटिवेट करते हैं उनके लिए, निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की पर हवाओं ने बहुत कोशिश की हमारे चिराग बुझाने की, पर आंधियों में भी हमारे दिए जलते रहे। ठीक है, तो बहुत लोग आएंगे बेटा आप लोगों को डीमोटिवेट करेंगे कि ऐसा होता है, ये होता है, फलाना होता है, ऐसा हो जाता है, तो कैसा नहीं होता है, तेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ के जाऊंगा, है ना। जो सीनियर बोलते हैं कि कॉपी भर के आ जाओ, पास हो जाओगे, अरे पास होने के लिए कौन पढ़ रहा है, फार्मेसी 4 साल करेंगे, ज्ञान लेंगे, अच्छी प्लेसमेंट लेंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे, तुम्हारी तरह नहीं है कॉपी भर के आए और पास हो गए फिर 4 साल बाद बेरोजगार वाली लाइन में जुड़ गए। नहीं देखो, दो लाइन रहेगी तुम्हारे पास में, दो हमेशा दो लाइन रहती है हर एक के पास में, या तो भीड़ के साथ में चलो या भीड़ को अपने पीछे चलाओ। तो भीड़ को अपने पीछे चलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भीड़ के साथ में चलोगे तो फिर देख लो क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो बेटा महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। नहीं यार मैं शायर नहीं था, मैं क्या बोल दूं अब। ठीक है चलो, और एक एक प्यार वाली भी बोल दे, वो वाली इग्नोर वाली बोल दे, इग्नोर करने वाली, जो इग्नोर करते हैं, जब इग्नोर करने लगते हैं, चलो वो कल बोलेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को भीड़ को अपने पीछे चलाना है, भीड़ के भीड़ में नहीं चलना, याद रखना 4 साल बाद कुछ बन के निकलना है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, 4 साल बाद तो तुम्हारे टाइम पर तो मेरे ख्याल से पेट्रोल का भी रेट 150 रुपीज हो जाएगा, दाल इतनी महंगी हो जाएगी, महीने का खर्चा 10,000 रुपये की सैलरी में निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, कम से कम 50-60 हज़ार की सैलरी होगी तब मजा आएगा, और होती है स्टार्टिंग में कम मिलेगी, 14-15 मिलेगी ट्रेनिंग टाइम पे, बट जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-1.5 साल बाद वो बन के निकलोगे कि किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा, बट झोंकना पड़ेगा। अगले 5 साल भूल जाओ सब, पास होना बहुत इजी टास्क है, मैं बोलूंगा हर एक बच्चे से, चाहे वो कोर्स में ज्वाइन करें ना करें, एक रात पहले 2 घंटे पढ़ लेगा ना वो पास हो जाएगा, बस 2 घंटे एक रात पहले पढ़ लेगा पास हो जाएगा, बी फार्म इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हमेशा याद रखना अगर जो आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, एक चीज याद रखना बेटा मेरी, आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं वो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा, उस 90 को 91 करने में आपको अपनी जी जान झोंकनी पड़ेगी, ये गारंटी है। एक नंबर के लिए 0 से 90 तक लाना अब आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं, अगर जो आपके 90% आ रहे हैं, बट उस 90 को 91 करने में आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ये खुद से ऑब्जर्व करके देखना। आप अगर जो जिम जाते हो आप 10 किलो वेट इजीली उठा पा रहे हो, 11 किलो वेट उठाने में आपको आपकी पूरी जान लगानी पड़ेगी जो 10 किलो वेट आप इजीली उठा पा रहे हो, है ना। आप अगर जो रनिंग करते हो, आप अगर जो बेटा रनिंग करते हो 4 किलोमीटर अगर जो आप भाग पा रहे हो,
चार किलोमीटर डेली भाग पा रहे हो, आपको चार को पांच किलोमीटर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर का पूरी जान झोंक देनी पड़ेगी। तो उस एक नंबर को बढ़ाने के लिए उतनी मेहनत लगती है या फिर उससे ज्यादा मेहनत लगती है जितने हम नंबर लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो अपना आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं डालना है। 90 आ रहे तो उस 90 को 91 पे कैसे पहुंचा जाए वो करना, तो जिंदगी में हमेशा सक्सेस मिलेगी। ओके, भूमिका इज द टॉपर ऑफ द आरजीबीबी यूनिवर्सिटी फ्रॉम बीएसबी फार्मेसी 87.2% के साथ में, मैं बता देता हूँ, ठीक है, 87.2% के साथ में आर्यन एंड भूमिका इज द टॉपर ऑफ द बीएसबी फार्मेसी फ्रॉम आरजीबीबी यूनिवर्सिटी। दोनों बच्चों के पास में गिफ्ट हैम्पर जाएगा, अभी बस एक एचयू के रिजल्ट का वेट हो रहा है, ठीक है, मैंने बता दिया। मेरे याद है जिस जिस बच्चे का रिजल्ट आया, अभी आर्यन पांडे का, आर्यन पांडे ये रहा, आर्यन ये अच्छा आर्यन तू ही है, आर्यन के भी 87.2 ही है, दोनों के बिल्कुल सेम है। आर्यन वही हो ना तुम 87.2 वाले, या कोई और सा आर्यन? मेरे ख्याल से आर्यन वही है 87.2 वाला। मेरे हर टॉपर बच्चे का नाम याद रहेगा। अभी एक और 92 वाला है, 87.2 एक उसके भी है, पंकज पीटीयू यूनिवर्सिटी से, उसके पास दे दी गिफ्ट हैम्पर जाएगा। अभी टॉप 3 के पास में जाएगा। अब देखो अभी तक तो 87.2, एक 92 वाला बच्चा भी आया है, उसके मतलब कि एग्जाम उसका सेशन पीछे चल रहा है उसकी यूनिवर्सिटी का, बट उसके 92% आए। पता लग गया, पता नहीं कब आएगा अब तुम लोगों का 182 वालों, तुम्हारे चक्कर में इन आरजीपी वालों का बेचारों का गिफ्ट हैम्पर रुका हुआ है, तुम्हारे चक्कर में बस। देखा हमारी प्यारी आरजीपी यूनिवर्सिटी रिजल्ट भी दे दिया बच्चों का और अगला टाइम टेबल भी दे दिया, और इसका रिजल्ट भी दे देगी, जब तक तुम्हारे पेपर खत्म होने वाले हो ना तब तक इसका रिजल्ट भी आने वाला होगा, देख लेना। 1.5 महीने के लगभग में, 1.5 या 2 महीने के लगभग में रिजल्ट दे देती है आरजीपी। चलो बेटा, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार इसका फीडबैक दे दो। आज बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए और अभी तक भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ऑफ करें बेटा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर थर्ड, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस उसमें SN1 और SN2 दिया है, और एल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में SN1 और SN2 आ जाएगा। और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड यूज डिस्कस करेंगे। अल्कोहल है, अल्कोहल को वन शॉट में हमने कल भी 1.5 घंटे में किया था, हो जाएगी कल की क्लास। कल की क्लास तो जल्दी हो जाएगी क्योंकि सेकंड यूनिट सबसे बड़ी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, सेकंड यूनिट सबसे लार्ज है और फर्स्ट यूनिट सबसे छोटी है। फर्स्ट यूनिट में कह करके आधे घंटे या 45 मिनट में पूरी यूनिट पढ़ा दूंगा। चलिए ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और ये वन शॉट में आप लोगों को वीडियो शो हो जाएगी और मास्टर कोर्स के अंदर इसकी PDF अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और जिसका एग्जाम है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन बेटा करते रहो, ओके, और टाइम टेबल चेक कर लिया करो, जो चीजें ऐप पर अपडेट होती है उसको चेक कर लिया करो, ठीक है। और 2 तारीख को जब मेरी मैराथन होगी तो मैं मास्टर कोर्स वाले बच्चों को एक सरप्राइज दूंगा। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती रहनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से उसी में लगा हुआ हूँ, अभी वो आज फाइनल हो जाएगा, उसमें थोड़े से बैनर वैनर लगने रहेंगे। तो आपको 2 तारीख को मैं अनाउंस करूंगा और 2 तारीख की शाम तक वो चीज आप लोगों को प्रोवाइड, मतलब 2 तारीख की शाम को अनाउंस करूंगा, 3 की सुबह तक वो प्रोवाइड भी हो जाएगी, और 3 की सुबह की लाइव में फिर बात करेंगे कि कैसी लगी, ठीक है। 2 की बार मेरी मैराथन तो पर 1 को है ना, 1 को अनाउंस करेंगे, 2 की सुबह की लाइव में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। एंड लगभग हम लोग 2.5 घंटे से ज्यादा एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे, और बेटा ब्रेक मत बोला करो 3 घंटे से पहले। मैराथन क्लास में भी जब तक 2 यूनिट नहीं खत्म हो जाएगी ना, कोई ब्रेक के लिए मत बोल देना, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं। वो बेटा देखो मेरी बात सुनो बेटा, जिस टीचर की क्लास में जो भी दिक्कत हुआ करे वो उस टीचर से बोला करो, अगर जो वो टीचर ना सुने फिर मुझे बोला करो, ठीक है। मेरे पास बाद में घुमा के लाया करो बात को, अगर जो
एचएबी क्लास रुकी थी, तो मैम से शाम को एचएबी क्लास होगी, मैम से बोलना कि मैम कल की क्लास रुक गई थी, तो अब उसका क्या करना है, मैम बता देगी, ठीक है, ना बताए तो फिर मुझे बताना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत सम्मान के साथ बोल रहे हो, चार सब्जेक्ट में बैक है फर्स्ट सेम में। चलो बाय बाय बेटा, एवरीवन, थैंक यू सो मच।